जी कहिए। माफ कीजिए, मैंने आपकी गाड़ी टैक्सी समझकर रोक दी। कोई बात नहीं, वैसे टैक्सी और कार में सिर्फ नाम का फर्क है, काम तो दोनों का एक ही है। कहीं कहाँ जाना आपको? नहीं नहीं, मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। ठीक है, लेकिन इस वक्त शायद आपको टैक्सी नहीं मिलेगी, मैं आपको छोड़ देता हूँ। क्या सोच रही हैं आप जी? वो घबराइए मत, मैं ऐसे वैसे किस्म का आदमी नहीं हूँ। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। तो बैठ जाइए ना, देखिए बारिश में ऐसे ही भीगती रही तो बीमार पड़ जाएंगी। आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। आइए, शीशा ऊपर कर लीजिए। हाँ हाँ, गुड। कहाँ जाना आपको? जुहू स्की। जुहू स्की? वहाँ रहते हैं आप? जी जी, मैं वहाँ एक छोटे से क्वार्टर में रहती हूँ। अच्छा अच्छा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इतनी रात इतनी बारिश में आप ऐसे? जी जी, वो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। आज ट्यूशन से आते हुए देर हो गई, इसलिए बारिश में फंस गई। आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आपने मुझे लिफ्ट दी। ये तो मेरा फर्ज था, वैसे भी इतनी बड़ी गाड़ी में मैं अकेला था। आप बैठ गई तो गाड़ी का क्या बिगड़ गया? बड़े ऊंचे विचार हैं आपके। वैसे आप करते क्या हैं? ये पूछ के क्या करेंगे आप, मेरा मतलब आप सुनते सुनते थक जाएंगी। बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, यूं समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के हर शहर में मेरा दफ्तर है। इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े आदमी हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको नौकरी दे सकता हूँ। जी, मेरा मतलब आपके पिताजी को नौकरी दे सकता हूँ। जी शुक्रिया, बस यहीं पर गाड़ी रोक दीजिए। वो सामने मेरा घर है। वो जी ओके, थैंक्स अ लॉट, वेलकम, बाय बाय बाय। पापा पापा, क्या बात है बेटी? हाँ बेटी, क्या बात है? अरे हमारी बेटी तो बिल्कुल भीग गई। बिल्कुल भीग गई, ये नहीं पूछते कि कैसे भीगी। कैसे भीगी? पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे एक नई गाड़ी लेकर दें, आज फिर आपके उस छकड़े ने बीच चौराहे पे मुझे तंग किया। हाँ, देखो देखो, हमारी खानदानी गाड़ी को छकड़ा मत कहो। फिर आप एक काम कीजिए, अपनी उस खानदानी गाड़ी को ले जाकर अपने खानदानी म्यूजियम में रखिए। अरे पूनम, पापा को क्यों डांट रही हो? क्या बात है? देखो देखो दीदी, आप पापा को समझा दीजिए कि मुझे इमीडिएटली नई गाड़ी लेकर दें, वरना मैं पापा से कुट्टी। अच्छा बाबा, मैं पापा को समझा दूंगी। ओके, लेकिन ये कपड़े देखो कितने भीग चुके हैं। चलो कितने भीग चुके, ले जाओ। चलो पहले कपड़े बदल लो। चलो चलो, भी पता नहीं कब लेकर देंगे। राजा कहाँ था रे इतनी देर तक? सुनो, मैं तुझे देखा ही नहीं। हाय, आज तुझे मैं क्यों दिखाई देने लगी? सत्यानाश हो तेरा, मेरा कोट खराब कर रही तू। ओए होए होए, मेरे से तेरा कोट अच्छा है? बोल, जवाब दे। जवाब क्या दूं? और तू तो खाना का गर्म हो रही है। ओए गर्म कैसे नहीं हो, ये कोई तुम्हारे आने का टाइम है? अरे आज पहली तारीख है और तू तो जानती है हर पहली तारीख को राजा सचमुच का राजा होता है। अरे मेरे राजा, वाह, कौवा चला हंस की चाल, चलते चलते अपनी भी चाल भूल गया। कभी कभी रास्ता भूलने में एक मजा आता है, तुझे क्या मालूम? बस बस, बहुत होली, अब बता कुछ बचा के रखा है कि सारी तनख्वाह उड़ा के आया? कैंटीन वाले का उधार छोड़कर बाकी सब साफ कर दिया है। वाह, क्या हसीन शाम गुजरी है। दीदी आज तो बड़ा मजा आ गया। क्या पार्टी बड़ी शानदार रही? पार्टी तो जैसी भी थी, पर रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, ऊपर से बारिश। मैं टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि इतने में एक अमीर जादी की इतनी बड़ी कार मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। फिर उसने मुझे लिफ्ट की ऑफर दी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या होना था, मैं बैठ गई। क्या, तू उसकी गाड़ी में बैठ गई? तो और क्या करती दीदी, इतनी बारिश हो थी, और फिर वो शक्ल सूरत से भी शरीफ लग रहा था। फिर क्या, वो बातें करने लगा, वो बकबक करने लगा कि मुझसे भी 10 कदम आगे निकल गया। पूछने लगा, तुम कौन हो, क्या करती हो, कहाँ रहती हो? मैंने भी उसे वो उल्लू बनाया कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। मैंने उसे कहा कि मैं एक बहुत गरीब घर की लड़की हूँ, छोटे 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 बच्चों को पढ़ाकर गुजारा करती हूँ। उस रईस जादे को मुझ पर तरस आ गया और उसने कहा, तुम फिक्र मत करो,
तुम बहुत अच्छी लड़की हो, हम तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दे देंगे। ओफो पूनम, तेरा ये बचपना कब जाएगा? क्या जरूरत थी तुझे झूठ बोलने की? दिल लगी दीदी, दिल लगी। ऐसी भी क्या दिल लगी? जरा सी दिल लगी कर भी ली तो किसी का क्या बिगड़ गया। अरे ये क्या, सत्यानाश कर देना मेरे कोट का। हाय, कोट क्या हुआ? जागीर हो गई। मेरी जागीर तो है ये, तू क्या जाने। यही तो एक सूट है जो हर महीने की पहली तारीख को मेरी गरीबी छुपा लेता है। एक एक पैसा बचा कर बड़ी मुश्किल से सिलवाया ये मैंने। बात करती है। अरे ये सूट पहनकर राजा सचमुच का राजा लगता है। हाँ। रहे झोपड़ों में, ख्वाब देखे महलों के। अरे अच्छे दिनों के ख्वाब नहीं देखेंगे तो गरीब घुट घुट के मर जाएंगे। हाँ भी तो है गरीबों की असली जागीर। वैसे दीदी एक बात है, गरीबी का अपना अलग ही आनंद है। उस रही सादे के सामने गरीब लड़की बनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, डैडी से कहकर तेरा रिश्ता किसी गरीब के यहाँ करवा देंगे, बस सो जा। नींद नहीं आ रही। सोएगी तो नींद आएगी ना, सो जा ना बाबा, क्यों तंग कर रही है मुझे। हाय मेरे राजा, कब तुम्हारे अक्ल में बात आएगी? हाँ, कब समझोगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? ए राजा, तू बाबा से जाके अपनी शादी की बात क्यों नहीं करता? ए चुप क्यों है? शर्म आती है? दुनिया भर की लड़कियों से बातें करते तब शर्म नहीं आती? एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे, समझे?
कमाल राजा, तेरे लिए दूध लाई हूँ, लेना। अरे बड़ी मेहरबानी, आज बिना मांगे दूध का ग्लास। वो क्या है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, कल रात मैंने सपना देखा। वो तो उसमें कौन सी नई बात है, सपने तो रोज ही देखती है। अरे जाजा, तुझे क्या पता, कल रात जो सपना देखा ना मैंने, उसमें मैं वो तू। वो क्या, सपने में तूने अपने सपनों का राजकुमार देखा होगा और क्या। अरे तू चिंता मत कर, मैं बाबा से आज ही तेरी शादी की बात पक्की करता हूँ। फिर देर हो रही, मुझे चलता हूँ। अरे सुन, ये गया हुजूर, एक मामूली साहब का प्यादा। भाई डॉक्टर आनंद जी, क्या हाल चाल है आपके साहबजादे का अमेरिका में? फर्स्ट क्लास, अगले हफ्ते आ रहा है, गोल्ड मेडल हासिल किया है डॉक्टरी में। डॉक्टर आपकी तरह जाहिल नहीं है। और आपने कौन सा तीर मार लिया है आज तक? क्यों, कम से कम डॉक्टर हूँ। हाँ, डॉक्टर नीम हकीम खतरे जान। अरे भाई तुम डॉक्टर हो तो हम है राय साहब, राय बहादुर। पापा, पापा। क्या बात है, काहे को शोर मचा रही हो? आप धीमी आवाज में सुनते कहाँ हैं पापा? बस सही पहचान आपने बाप को बेटी, न ये धीमी आवाज में सुनता है न धीमी आवाज में बोलता है। देखो बरखुरदार, ये बेटी और बाप का आपस का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मगर इस वक्त बेटी की तेवर बदले, इसलिए मेरा बीच में बोलना बहुत जरूरी। क्या बात है बेटी? अब अंकल देखिए ना, दीदी को शॉपिंग के लिए जाना है और घर में एक गाड़ी भी नहीं है। क्यों क्यों, चार चार गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं। क्या करें हम आपकी चार चार गाड़ियों का, एक भी उनमें से नहीं चलती। हंस क्यों रहे हैं आप, आजकल अच्छे मैकेनिक मिलते हैं। मैकेनिक मिलते हैं मगर 1857 की गाड़ियों के नहीं मिलते हैं। इतनी पुरानी गाड़ियों से क्या मैकेनिक अपना सर फोड़ेगा? 1857 की गाड़ियां गाड़ियां नहीं होती। होती हैं मगर वो शमशान घाट में होती हैं, घर में नहीं होती हैं। अरे कंजूसी छोड़ कमबख्त, बेटी को नई गाड़ी खरीद के दे। तू जब भी यहां आता है खर्चा करवा के जाता है। चल खेल खेल, ये संभाल अपने वजीर को। इतना वजीर गया, ये वजीर नहीं आती है। अच्छा बेटी तू एक काम करिए, मेरी गाड़ी की चाबी ले जा। तो फिर आप क्या करेंगे? अरे मैं अपने आप को संभालूंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर अगले हफ्ते तक तुम्हारे पापा ने तुम्हें नई गाड़ी नहीं दिलाई तो फिर हमारी दोस्ती खटाई में पड़ जाएगी। उंगली क्या दिखा रहा है, जा बेटी जा। थैंक यू अंकल, थैंक यू वेरी मच। बिगाड़ बिगाड़ और बिगाड़, लड़की को पहले से बिगड़ी हुई है इतनी, अब हंस क्या रहे हो। एक काम करो, फोन करके किसी अच्छे मैकेनिक को बुला दो। इन्हें 1857 की मैकेनिक को अभी बुला दो। ये हेलो, अरे यार ये गैराज कम, म्यूजिक कंपनी ज्यादा लग रही है। क्या बोला? अरे आप बहुत बास आता जी, हॉस्पिटल का कौन बोलता तुम? मैं डॉक्टर आनंद बोल रहा हूँ। अयो डॉक्टर साहब, कैसे जी आप? अरे मैं ठीक हूँ, पहले मेरी बात सुनो। वो अपना राजा, उसको राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की कोठी में भेज। बेचता जी बेचता, उधर ही बेचता। कदा कहीं का लो, सॉल्व होगी तुम्हारी प्रॉब्लम, खुश। अरे सुनो भाई। हाँ जी। ये राय बहादुर साहब की कोठी है, यही है। यहाँ डॉक्टर आनंद बाबू आए हैं। हाँ अंदर ही है। मैं जाऊं? हाँ तो डॉक्टर आनंद, यहाँ से कहाँ जाओगे? यहाँ से मारुति के शोरूम में जाऊंगा और पूनम बेटी के लिए एक फर्स्ट क्लास गाड़ी खरीदूंगा। यानी कि तुम हमारा खर्चा करवा के ही रहोगे। 100% डॉक्टर साहब। अरे राजा। नमस्ते जी। अरे राय साहब, ये राजा है। नमस्ते जी सर। ये गाड़ियों का डॉक्टर है, एक बार इससे रिश्ता जोड़ोगे ना तो जिंदगी में तोड़ नहीं पाओगे, ये जादूगर है, जादूगर। छोड़िए ना डॉक्टर साहब, आप अच्छे इंसान है इसलिए आपको हर इंसान अच्छा नजर आता है। नहीं बेटा ऐसी बात, वैसे गाड़ी का है जी, गाड़ी। ड्राइवर गाड़ी दिखाओ इसे। जी सर। जाओ। यार तुम छोटे लोगों को बहुत मुंह लगाते हो। राय बहादुर, अहंकार के पिंजरे से बाहर आके देखो, दुनिया की हर चीज तुम्हें बहुत खूबसूरत नजर आएगी। कोशिश करके देखो। ये तो पंचर हो गया, अब क्या करें? ओफो, उषा हमारा वेट करती होगी। ये क्या कर? आहो, ये तेरा तबला बजा। तबला बजाऊंगा तो स्टार्ट हो जाएगी। हाँ वो आता। हे अन्ना, ये मेरा तबला कौन बजाया जी? अरे क्या हुआ ना? ये देखो जी, ये देखो राजा, खार पटर में कचरा। एक मिनट का मर गया। अन्ना, ओफो, हमारा तो प्रोग्राम ही बिगड़ जाएगा।
अन्ना वो लड़की जिसे लिफ्ट दी थी वो तुम्हारा चांद सितारा। हाँ ना राजा जाके मिलना उसको। कैसे मिलूं अन्ना ऐसे कपड़ों में देखी कि तुम? मैं तो बहुत डेंगे मारी थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ बहुत। अन्ना अन्ना मुझे गैराज की चाबी दे। नहीं मैं चाबी नहीं देता। अन्ना गैराज की चाबी तेरा इज्जत का सवाल है। तेरा इज्जत का मेरा इज्जत। हाँ। तुम रखना मेरा इज्जत। ये लो चाबी। बिल्कुल ना बिल्कुल जब तक मैं नहीं आता ना उसे बिजी रखना। अरे मैं तुम्हारा नौकर क्या? ना ये अम्मा अब क्या करें? ये अम्मा ये देवी आप दोनों बहुत परेशान। कुछ गड़बड़ क्या? जी हाँ हमारी गाड़ी पंक्चर है। पंक्चर? अयो ये गाड़ी का बहुत पुराना आदत है एक बार हवा निकला तो हमेशा निकलते रहता। जी आप परवाह नहीं करना हम सब ठीक कर देंगे। आप? हाँ हम मैकेनिक जी। आप मेरे गैरेज का नाम नहीं सुना? अन्ना गैरेज मैं उसका मालिक। आपका घर में जैक है क्या? जी और जी मतलब ये है कि आपकी गड्डी में जैक है? है ना अभी देती हूँ। अरे आप क्यों देता जी? आप चाह भी देना हम सब करता। आना आना। ओफो इतनी सारी शॉपिंग करनी और गाड़ी अभी तक रिपेयर नहीं हुई। अरे रे रे ये क्या कर रहे हैं आप? टायर तो पीछे का पंचर हुआ है आगे का नहीं। अय्या आज पीछे का टायर पंचर कल आगे का टायर पंचर हम कल का काम आज करता जी। अजीब आदमी है आप। अयो आप नाराज नहीं होना देवी। आप बोलता तो मैं आगे का टायर छोड़ के पीछे का टायर पे जाता। अरे आजा रे टायर ने तेरे को पुकारा दोस्ती ने मेरे को मारा आजा मेरे यार आजा रे। अरे खैर तो है ये आपकी तारीफ। जी नहीं ये मेरी मालकिन है। हाँ। इन्हीं के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ। अच्छा अच्छा नमस्कार मैं हूँ राजा। अच्छा अच्छा राजा। इन्होंने उस रात बारिश में मुझे लिफ्ट दी थी। जी हाँ। आपको तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जी जी मेरा मतलब है कि पूनम आपकी तारीफ कर रही थी। ये तो पूनम जी की जरा नवाजी है वरना बंदा किस काबिल है। कांदानी मैकेनिक जी सब सब जानते हैं कि तुम मैकेनिक हो इसे बोलने की क्या जरूरत है जा अपना काम करो। मेरे ख्याल से गाड़ी ठीक होने में कुछ वक्त लगेगा तो आइए मैं आपको कहीं छोड़ूं। गाड़ी तैयार जी। अरे गाड़ी तैयार 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 बोलता है ये डिक्की अभी तो खुली है तुम तैयार बोलता है ये डिक्की बंद करो जी झूठा मैकेनिक। कितने पैसे हुए आपके? क्या बात करें पैसे मैं हूँ ना मैं हूँ इनके क्या पैसे होंगे मैं हूँ। ओहो ये सेक्रेटरी लोग भी सब 100-100 के नोट रख देते हैं छोटा नोट है ही नहीं देखो ना। ये संभाल के निकालना जी नोट पुरना हो जाए। हाँ ठीक है ठीक है ये लो चाय भी लेना। क्या पी लेना? अच्छा हम चलते हैं। ओके बाय। क्या है मैकेनिक कि तुम छोटे लोग हो हम बड़ों की बराबरी मत किया करो समझे। मुझे माफ कर दे। हाथ नहीं लगाना ना मुझसे गलती हो गई। आदमी के सामने तू मेरे को डांटा ना मुझे माफ कर दे ना। नहीं माफ करेगा जी 50 रुपया देके मेरे को बोलता जाके चाय पियो। मेरे पैसे वापस कर दे प्लीज। नहीं देगा मैं गरीब आदमी हूँ कुछ भी होने दे ना मुझे माफ कर दे ना। अन्ना वो मेरी लव थी ना। लव? ये राजा अपना हरकत से तुम बाज आ जा वरना जब बात आगे बढ़ेगा तो अपना सर पकड़ेगा। अन्ना 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 जो कुछ होगा देखा जाएगा फिलहाल तुम मुझे ये 50 दे देना। क्यों राजा कौन सी राग रागड़ियों में खो गया? अरे उस्ताद जी आपको ये राग समझ में नहीं आएगा। अच्छा हाँ। अरे मैंने दुनिया को राग दे देगा पता नहीं कितने तबले फोड़ दिए तू मनोही राग दे रहे हैं। राजा ये गाड़ी काबू में नहीं आ रही है। अरे किस दिन तेर से गाड़ी काबू में आई है पता नहीं अन्ना ने भी कैसे लोगों पाल के रखे। आया आया हाँ चल बोल क्या बात है। राजा आधे घंटे से परेशान हूँ ये नट बोल्ट में लगता ही नहीं। चल देखा
अबे अकल के दुश्मन, नट बोल्ट बड़ा पाना छोटा लगेगा कैसे? जा जल्दी से लेकर। हाँ राजा। क्या नमूने पाल रखे अन्ना ने। लो ना, मेरा हाथ तो छोड़ो। ये क्या कर रहे राजा? मेरा हाथ तो छोड़ो राजा। लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। उसकी वो चाल तौबा, रंगे जमाल तौबा, अरे अपना ये हाल तौबा। तौबा 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 तौबा। लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। पहले कभी देखी नहीं ऐसी वो बहार, पहले कभी देखी नहीं ऐसी वो बहार। दिल मेरा आ ही गया, हो ही गया प्यार। आंखों में सवाल तौबा, रंगत गुलाब तौबा, अरे आशिक बेहाल तौबा। तौबा 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 तौबा। लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। ताम ताम तई ततई, तन्नी कुड़चिड़पा तन्नी कुड़चिड़पा तन्नी कुड़चिड़पा। कुछ भी नहीं है, मोहब्बत न छोड़ूं जमाने को छोड़ूं। हाँ, मोहब्बत न छोड़ूं जमाने को छोड़ूं। ये तो हल्लू हल्लू, ओ हल्लू हल्लू हल्लू, ये तो हल्लू हल्लू लेवत है। जान 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 जान, तू
अंजाम कुछ भी हो चाहे, ये चाहत का अंजाम कुछ भी हो चाहे, मैं जिंदा मैं हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब, लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, चांद सितारों में है मेरा महबूब। चन्ना ऐसा मंगता जैसे ये अन्ना का गैरेज नहीं, रिजर्व बैंक का प्रिंटिंग प्रेस है। ए अन्ना, बहुत ज्यादा बात करता है तू। अब उनके पास फालतू टाइम नहीं है क्या? सुन, तेरे हिसाब में 10,000 रुपए लिख दिए हैं, चुपचाप दे दे, भलाई इसी में है। ये भलाई कैसा जी? पैसा मेरे से लेगा तो बुरा ही ना। आप आया, एक काम करो, मैं आपको गरम गरम सूड सूड काफी देता। ये बांगड़ो दो काफी लेके आना। कॉफी नहीं मांगता अपन को। साला, हमारे अन्ना के साथ बदतमीजी। बात है बाबा, ये लोग आपको देखकर ऐसे भागे? ये तो कुछ भी नहीं है राजा, हमें देखकर गली और मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो जाया करते थे। अच्छा ये तो बताओ, ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए थे? अरे हुआ यूं बाबा, ये लोग अपने अन्ना से चंदे के नाम पर जबरदस्ती पैसा वसूल करना चाहते थे। अच्छा? मुझसे रहा नहीं गया, मैंने चढ़ा दिया। लगता है उसी सिलसिले में फिर से आए थे। अब तुम फिक्र मत करो, ये लोग तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। अब घर चले। चलिए आओ। इतने प्यार से खाना बनाया, लेकिन पता नहीं खुद खाएगा भी या लोगों को खिलाएगा। खाने का डब्बा दे, देर हो रही है मुझे। राजा बेटे। जी बाबा। बेटे दवा लेते आना। दवा? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, थोड़ा सा जुकाम हो गया है। ये ले पैसे लेते जा।
क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे बाबा? आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, फुटपाथ से उठाकर मुझे पाला पोसा, मेरी परवरिश की। मतलब तू उसका हिसाब चुका रहा है? आपके एहसानों का मोल ही कहा है जो मैं चुकाऊंगा। चल पागल, ये ले पैसे। नहीं बाबा, आपका बेटा इतना बड़ा हो चुका है कि अपने बाबा का ख्याल रख सकता है। अरे टिफिन तो लेते जा, और सुन टाइम से खाना खा लेना। देगी तो जाके खाऊंगा ना, और सीधे घर वापस आना। अरे भाई, हमारे लिए भी कुछ खाना बचा के रखा है कि नहीं? गाड़ी तो तैयार ही होगी। पता नहीं अन्ना कितनी देर लगाता है गाड़ी देने। कहिए मेम साहब, क्या काम है? अन्ना साहब कहाँ? अन्ना साहब अंदर है, संगीत की ओवर आइलिंग कर रहे हैं। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जा, मेरे मन के द्वार यह घुसत घुसत। ये अम्मा, आप इधर? आप यहाँ कैसे? ये गैरेज का मालिक ना, आप आना, इधर आके बैठना। ये गैरेज और ये तबला और सितार, ये कैसा मेल है? वो गैरेज ना, ये मेरा धंधा। हाँ। ये तबला और सितार मेरा हॉबी। वाह, बहुत खूब। अच्छा बजाता। देखिए, अगर हमारी गाड़ी ठीक हो गई हो तो हमें। वो आपका गाड़ी खराब तो इधर लेके आना जी, मैं और खराब करके देगा। खराब नहीं बल्कि ठीक होने के लिए आई है। नहीं, मैं उसको बना के देंगे जी, अच्छा बनाएगा। डॉक्टर आनंद बाबू ने आपके यहाँ गाड़ी भेजी थी। हाँ, वो आनंद डॉक्टर बाबू जी, उनका गाड़ी आपको पूछ के बताता तैयार हुआ कि नहीं। हाँ। तब तक आप लोग क्या पिएगा अम्मा? सुड़ काफी? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू, शुक्रिया। तो एक काम करो, मैं एक राग को, आसावरी राग को मैं उसमें मिक्स किया क्लासिकल में, वो जरा सुनना आप। बेटा जरा टेका देना। पद पामा गारे सारे मामा पा सारा ये काला रे जा रे जा रे जा रे जा रे ये काला रे मौत किधर कड़ा जा रे जा। अरे मेरी बात भी तो सुनो। ये डोपोल कुल जाएगा, डोल पट जाएगा जा रे। अरे अन्ना गाना बंद मेरी सुन, वो मर्सिडीज का ग्लास का फ्रेम टूट गया है, उसका क्या करने का है? नया लगाने का है कि वेट करने का है? वो आम मर्सिडीज को लेके जाके प्रेम में चिपका दो, भगवान के लिए यहाँ से जाना, तुम कुछ भी करना। फिर मैं उसको वेट कराता हूँ। अपना अन्ना भी। अम्मा उधर नहीं जी, इधर देखना। सुनिए, ये कौन था? वो कौन कौन था जी, कौन? ये जो अभी आपसे बात करके गया है, ये मेरा मैकेनिक। मैकेनिक? नहीं नहीं, आपको याद होगा उस दिन जब हमारी गाड़ी खराब हुई थी ना, तो ये वहाँ पर नहीं आए थे? अयो नहीं जी, ये तो मेड इन ताइवान डुप्लीकेट, खाली इंडोर में काम करता, आउटडोर में काम नहीं करता। ओफो अन्ना साहब, सिर्फ इतना बता दीजिए कि ये आदमी वो आदमी तो नहीं है। अयो अम्मा बोला ना, वो डुप्लीकेट मेड इन ताइवान, वो कितना बड़ा आदमी गाड़ी वाला, ये बेचारे को तो खाने का वांदा जी। मगर वो तो ओफो, तू भी किस चक्कर में पड़ रही है? देखिए हम लेट हो रहे हैं, हमारी गाड़ी हमें जल्दी दिलवा दीजिए, समझे? वो गाड़ी ऑफिस में नहीं जी, कारखाने में। चलना आप चलो। आना अम्मा, वांगा वांगा, आना जी आना जी। अन्ना साहब, क्या मैं उस मैकेनिक से अभी मिल सकती हूँ? अयो वो तो वेल्डिंग करने को गया ना, आप उसका बहुत नाम लेते ना काई को, मैं उसको आपके घर में भेजू। ओफो अन्ना, हमारी गाड़ी किधर है? एक मिनट जी, ये ढक्कन है। यस 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 सर, ढक्कन खोल रहे हैं। वो डॉक्टर साहब गाड़ी भेजे ना, क्या वो उसका? ओह आपकी गेट 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 गाड़ी तैयार है। अच्छा अच्छा अच्छा, चाबी चाबी, ये चाबी वो आपका गाड़ी। ढक्कन यस सर, इधर आना, राजा को जाके बोलना इधर नहीं आना, नहीं तो बगैर गोली के मर जाएंगे। जा मेरे पीछे से। यस सर। अम्मा अम्मा जी, गाड़ी कंडीशन बहुत अच्छी है। अन्ना साहब, वो क्या, वो आपका, वो मेरा मैकेनिक, मैं उसको घर में भेजता जी। अबे क्या बकवास कर रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, धीरे बोलो नहीं तो गो 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 गोली इधर आ जाएगी। अरे लेकिन वो क्यों? वो राजा, राजा ये क्या बड़बड़ करता है? मैं जाना तू, बहुत गड़बड़ हो गया राजा। क्यों? वो तेरा बेबी ऑस्टिन आया था। बेबी ऑस्टिन? वो खूबसूरत चोकरी पंक्चर वाला जी।
वो जो बैठी थी वो थी? वो आया इधर। उसने मुझे ऐसा देखा? तुम्हारा हुस्न देखा, शबाब देखा, सब देखा। अन्ना मैं, डरना मैं। वो तुम डरना नहीं, मैं बचा लिया तेरे को। कैसे? वो मेरे को पूछा ये कौन है? मैं बोला ये वो नहीं, वो ये नहीं, वो ये नहीं, वो नहीं। वो नहीं, ये नहीं, वो समझ गए, मैं बच गया। एकदम बच गया। अरे अन्ना, रुम्बा मेरा राजा बेटा, भाई स्वीट अन्ना। अजीब चक्कर है दीदी, कहीं ये वही आदमी तो नहीं था? नहीं नहीं, उसकी गाड़ी कितनी शानदार थी और वो कितना कीमती सूट पहने हुए था। सूट की क्या बात है दीदी, वो तो चोर बाजार से भी खरीदा जा सकता है। अरे रही गाड़ी की बात, तो वो किसी की मरम्मत के लिए आई हुई गाड़ी में भी तो घूम सकता है। दो सूरतें एक जैसी भी तो हो सकती है। पर दीदी एक बात तो बताइए, सूरतें एक जैसे हो सकती है पर आवाजें एक जैसे कैसे हो सकती है? आवाज पर तो मैंने गौर नहीं किया, लेकिन तुमने ये अच्छा किया कि उसे अपना बंगला नहीं दिखाया, वरना उससे पीछा छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता। दीदी पर मुझे वो आदमी पूरा नहीं मालूम होता। आखिर तुम्हें उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? आपके इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। ये बच्चे लोग, हाँ जी, ये देखो घर जाना, हाँ जी, हाँ जी, दूध पीना, हाँ जी, सोना, हाँ जी, सुबह उठना, काम पे आना, और उसके बाद में मेरा गाना सुनना। आ गए लाड साहब। अरे जब देखो सातवें आसमान से बोलती रहती तू। हाँ तो तू मेरी जुबान बंद कर दे। अरे वो तो भगवान ही बंद करेगा, जिसने तुझे अच्छी खासी सूरज शक्ल तो दे रखी है, लेकिन मिजाज इतना चिड़चिड़ा दिया है कि भगवान ही बचाए तुझसे। रुट गई? अरे कम से कम इतना तो पूछ कि आज मेरे साथ क्या गुजरी। अच्छा बता क्या गुजरी। अरे वो लड़की थी ना। कौन लड़की? अरे वही पहली तारीख वाली, वो जिसके साथ बंडलबाजी की थी। हाँ वही लड़की। क्या हुआ? अरे आज उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। वो क्यों? वो हुआ यूँ कि मैं तो उसे बड़ी ठाठ से मिला था ना, ऐसे टीजर वाले कपड़ों में थोड़ी मिला था उसे। अच्छा हुआ झूठ बोलने का मजा मिल गया। अरे मैं तो बच गया, वो अन्ना ने मुझे बाल बाल बचा दिया, वरना वैसे वो लड़की है बड़ी खूबसूरत। तुम झूठ बोल बोल के उस लड़की को उल्लू बनाते रहे ना। हाँ नहीं मैं अब उससे झूठ नहीं बोलूंगा, आइंदा मिलेगी ना तो मैं उसे साफ साफ बता दूंगा कि देखो भाई मैं एक गरीब मिस्त्री हूँ, अब तक मैं तुमसे मजाक कर रहा था। हाँ मैं समझता हूँ मेरी बात सुनकर वो जरूर खुश होगी, क्योंकि उसके चेहरे पर भी शराफत और इंसानियत नजर आती है, आखिर वो भी तो गरीब टीचर है। और मेरी सब बातें सुनकर वो इतनी खुश होगी, इतनी खुश होगी कि वो अपनी बाहों का हार मेरे गले में डाल देगी। बाहों के नहीं जूतों के हार डालेगी। हाँ प्यार का पता नहीं कुछ चले आते हैं ये। भगवान जाने कब अपनी आदत छोड़ेगा, जरा भी नहीं सोचता इन बातों से मुझ पे क्या गुजरती होगी। दिल से मजबूर ना होती ना तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करती। हाँ उफ़ो, अभी तक नहीं आया। अब आएगा मजा। ये वस्तक जी, ये बगैर वक्त का कौन सुर लगाता जी? अन्ना अपना राजा आया, राजा अन्ना अन्ना अन्ना, वो गली पे नुकड़ नुकड़ पे लड़की लड़की का चाबी, गैराज का चाबी दे दे, गैराज का चाबी दे दे। तुम्हारा चांस सितारा है अन्ना, गैराज का चाबी दे दे अन्ना, मुझे तुम्हारी जरूरत है आज। ये आजकल तुमको मेरा जरूरत डेली पड़ता है। ये राजा, हम तुमको बोला ये चांद सितारे से इश्क नहीं करना, तुमको इश्क करना तो संगीत से करना है, खला से करना, खला खास। अरे अन्ना आपकी बातों में आऊंगा तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मेरा मतलब उसका पंक्चर ठीक हो जाएगा। जाने तो जी, चले आगे, मुझे चाबी दे दे। अन्ना अन्ना, तुम्हें भैरवी का वास्ता, राग दरबार और मल्हार का वास्ता, जय जयवंती राग का वास्ता, हे संगीत सम्राट तुम्हें संगीत का वास्ता, चाबी दे दे। राजा कितना टाइटल एक साथ में दिया जी, तुम चाबी क्या चाबी का गुच्छा लेके जाना। अरे अन्ना अन्ना, नुक्कड़ पे लड़की को रोक। रोकता जी रोकता जी, मैं अच्छा किया ना? बिल्कुल करेक्ट किया जी। देखो राजा इधर, हम उधर, चलो चलो। अरे अन्ना साहब आप, अम्मा आप इधर,
मेरी गाड़ी खराब हो गई है। ये गाड़ी आप तो कह रही थी गड्डी तो पंचर हुई है। खराब हुई है? नहीं पंचर हुई है जी। खराब हुई है? पंचर हुई है। अजी खराब हुई है पंचर हो क्या फर्क पड़ता है, गाड़ी तो नहीं चल रही ना, खराब है ना। अच्छा एक बात बताना अम्मा, आपका गाड़ी इधर ही आके क्यों खराब होता? अन्ना साहब आप भी एक बात बताना, आप भी इधर ही आकर क्यों मिलता? अयो ये तो मेरा आने और जाने का रास्ता। ये मेरा भी तो आने और जाने का रास्ता। बहुत अच्छा नकल मारता आप मेरा। अम्मा आपका तबीयत ठीक? हाँ 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 बिल्कुल ठीक है ना। आप किसी का वेट करता क्या? नहीं, वो मेरी बालकिन का ड्राइवर है ना, वो आ रहा है दूसरी गाड़ी लेकर। वो ड्राइवर और मिस्त्री को आने को थोड़ा टाइम लगता है। अयो लगता है तुम्हारा ड्राइवर आ गया जी। हो जी आ गया जी। अरे आप फिर यहाँ? सब ठीक तो है ना जी? वो मेरी गाड़ी खराब हुई जी। पंचर हुई है गड्डी। खराब हुई है गड्डी? पंचर हुई है जी। खराब हुई है? पंचर हुई है। पंचर खराब? खराब पंचर? आपको क्या करना है, आप चुप रहिए। ए मिस्त्री कितना टाइम लगेगा गाड़ी ठीक होने में? ये एक घंटा 59 सेकंड। इतनी देर में क्या करूंगी, मैं तो बोर हो जाऊंगी। ओहो तो चलिए आपकी बोरियत हम दूर कर देते हैं, आइए हमारे साथ, हम कहीं चलते हैं। आइए आइए मिस्त्री, आप बैठिए। कहाँ जा रहे हैं हम? जहाँ आप कहें। वैसे मुझे भीड़ भाड़ कम पसंद है। वाह हमारी आदतें कितनी मिलती जुलती हैं। जी क्यों, कोई एतराज है आपको? एतराज किस बात का, आदतें मिलेंगी तो मन मिलेंगे, मन मिलेंगे तो तन, न, न, तो मेरा मतलब क्या मतलब है आपका? छोड़िए जाने दीजिए। हाय मैं कैसे कहूँ कि प्यार हो गया तुमसे? कहना तो तुम्हें ही पड़ेगा कि तुम्हें प्यार हो गया है मुझसे। तुम हमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार कर ले। तुम हमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार कर ले। आ जिंदगी का सागर, आ जिंदगी का सागर, मिलजुल के पार कर ले। होशियाँ हो ऐसी कभी होश में न आए। उल्फत की जिंदगी का, उल्फत की जिंदगी का सोला सिंगार कर ले। तुम हमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार कर ले। तुम हमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार कर ले। Thank you.
तुमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार कर ले। तुम हमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार कर ले। आ जिंदगी का सागर, आ जिंदगी का सागर, मिलजुल के पार कर ले। तुम हमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार कर ले। तुम हमसे प्यार कर लो, हम तुमसे प्यार कर ले। आओ आओ ककड़, इतने सालों बाद रास्ता कैसे भूल गए? एक काम पड़ गया आपसे। बोलो क्या काम है? पिंटो नाम के एक आदमी का कत्ल करना है। पूरे 10 लाख रुपए लाया हूं इस बैग में। देखो ककड़, तुम सबको पता ही है कि ये काम मैंने छोड़ दिए हैं। जब से बेटी पैदा हुई ना घर में, चक्कू छुरी चलाना बंद कर दिया मैंने। सोच लो जग्गू दादा, 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, बेटी की शादी में काम आएंगे। हा? अगर हम अपने वचन से मजबूर नहीं होते तो मैं तुम्हें जान से मार डालता, इससे पहले कि मेरे अंदर का राक्षस जाग उठे। दफा हो जाओ यहां से, चले जाओ। बड़ा यह चक्कू दादा को खरीदते। क्या देख रही हैं आप? एक बात पूछो। जरूर पूछिए। आप गाड़ियां तो रोज बदलते हैं, पर रोज एक ही सूट क्यों पहनते हैं? अब आपसे क्या छुपाना पूनम जी, दरअसल इस सूट की मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत है। अच्छा, अगर आपको याद हो जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी, मैंने यही सूट पहना हुआ था, यही। बस उस दिन से मैंने ठान ली कि जब भी मैं सूट पहनूंगा बस यही पहनूंगा, और मुझे लगेगा कि आप मेरे बहुत करीब हैं। वैसे तो मेरे कबर्ड में हजारों सूट पड़े हैं, लेकिन पहनता तो सिर्फ यही। आप आदमी बड़े दिलचस्प हैं। थैंक यू। कभी मुझे अपने घर तो ले जाइए। जा, घर मैं आपको अपने घर ले जाऊं। अपने घर। अन्ना, अये शान बेटी, तुम इधर किधर? अन्ना ये राजा देखो ना कैसे घर पे टिफिन छोड़ के आ गया। राजा इधर नहीं ना। मतलब राजा काम पे नहीं आया? नहीं, इधर नहीं आया जी। तो फिर कहाँ गया होगा? देखो घर चलते हैं। चलो ना राजा। गुड मॉर्निंग सर, आइए। चलो ना, बैठिए प्लीज। बैठो ना, बैठो। देखो मैं अब भी कह रहा हूँ कि होटल का खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ का सब कुछ नकली है, यहाँ का तेल, यहाँ का घी, यहाँ का आटा, सब कुछ नकली है। ऑर्डर प्लीज। क्या क्या फ्रेश है यहाँ की? हर चीज फ्रेश है। देखो जो कुछ भी मंगवाना अपने लिए मंगवाना, मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरे लिए ग्लास पानी ठंडा। अच्छा तो टोमेटो सूप, दो वेजिटेबल सूप। मैं नहीं खाऊंगा। मैं आपके लिए थोड़ी मंगवा रही हूँ, मैं तो अपने लिए मंगवा रही हूँ। दो दो। हाँ, दो मटर पनीर, दो पालक पनीर, दो नवरत्न कोरमा, दो सब्जी कोफ्ता, दो 70 रुपए जी। दो कढ़ाई सब्जी, दो सब्जी जाल फ्रेजी और दो... मैं इतना खाऊंगा नहीं, मैं तो खाऊंगा भी नहीं। मैं जानती हूँ आप नहीं खाने वाले, आप चुप रहिए ना, मैं अपने लिए मंगवा रही हूँ। मगर इतना खाना। दो दाल मखनी, दो सब्जी बिरयानी और दो पाइनएप्पल क्रीम। ओके जल्दी, साथ में 4 पापड़ भी लाइएगा और सैलेड भी। ओके मैडम। तबीयत खराब हो जाएगी जी। नहीं, अगर आप इतना खाएंगे तो तबीयत खराब हो ही जाएगी। मेरी तबीयत की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक बात बताइए, आप घर में रोज इतना ही खाती हैं? इतना सारा? हाँ। इतनी सी तनख्वाह में ऐसे कैसे गुजारा होगा जी? जी मेरा मतलब है आपकी इतनी सी तनख्वाह में आप माशाल्लाह आप खाती अच्छा है, आप पहनती अच्छा है, आपका गुजारा कैसे होता होगा? मेरे तो दो ही शौक है, अच्छा खाने का और अच्छा पहनने का। और फिर आप किस बात की फिक्र है? आप जो मिल गए हैं। जी हाँ, वो तो है। अरे बाप। हाँ? अरे अरे क्या हुआ आपको? बैठ जाइए ना। ये लीजिए 2 सूप
और ये दो मटर पनीर। और कर बेटा शो ऑफ, जब बिल आएगा तब जूते पड़ेंगे तो पता चलेगा इश्क क्या है। राजा राजा कहाँ खो गए आप? आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, होटलों में खाना नहीं खाना चाहिए, खाना ठीक नहीं है, बहुत खराब है। सुनिए जी, बिल आइए प्लीज। जी मैडम, अभी लाया। अरे बिल कैसा, किधर का बिल भाई? सर खाने का बिल। और अरे खाना किधर खाया, खाना किधर खाया भाई? हम क्या करें? अरे पागल, ऐसे खाना खिलाओगे तो मैडम की तबीयत खराब हो जाएगी। ये कुछ तरीका है? फाइव स्टार रेस्टोरेंट है, तुम खाना ऐसे दो और ऊपर बिल मांगते हो? देखिए बिल तो आपको, मैं बिल नहीं दूंगा, जो करना करो। अबूजी चलिए, अब चलिए। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं पुलिस को बुलाऊंगा इधर। अरे तुम क्या बोलोगे? मैं बोलूंगा चलो उठो उठो यहां से। तुम कैसे बात कीजिए राजा? देखिए बिल तो आपको ही दे। अरे मिलावट का खाना खिलाता और बिल मांगता है, एक पैसा नहीं दूंगा तुम्हें। आप चलिए मेरे साथ, चलिए। ए अब्दुल, ए बाबू, देखो साहब बिल मेरा हाथ क्यों बना तुम? सुनिए पैसे दे दीजिए ना आप, क्या फर्क पड़ता है आपको? फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, लेकिन ये बात उसूलन गलत है। अच्छा आप नहीं देते तो मैं दे देती हूँ। नहीं नहीं आप क्यों देंगी, वो मैं ही दे देता हूँ, मैं देता हूँ। अरे मेरा पटवा, मेरा पटवा, अरे मेरा पटवा। अरे साहब यहाँ ऐसे ड्रामे रोज होते हैं। ए शरीफों से तभी से बात करो, मैं अपना पटवा ढूंढ रहा हूँ। अरे राजा जी, आपका पर्स मेरे पास में। ये सुबह को आपके नया मर्सिडीज लेकर आया था ना गैरेज में रिपेयर के वास्ते, उसका सीट पे ये पर्स था, लेना। डैडी आपके आशीर्वाद से आपका बेटा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पे आया है। अरे मुझे मालूम था मेरा बेटा पूरी यूनिवर्सिटी में हंगामा करेगा। अरे अमर, अरे अंकल आप बैठे, जीते रहो। तुम कब आए? बस कल ही रहता है अंकल, आइए बैठे ना। अम्मा यार कमाल करते हो, हमें बताया तक नहीं, अगर बताते तो हम भी चले चलते एयरपोर्ट अपने जूनियर डॉक्टर को रिसीव करने। अरे भाई रात की फ्लाइट थी, मैंने सोचा क्यों तुम्हारी नींद खराब करूं, और वैसे ही पैसे वालों को नींद जरा कम आती है। ये अपनी आदतों से बाज नहीं। तुम आते हो क्या? अरे कैसे आएंगे, दोस्त तुम्हारे ही हैं। खैर छोड़ो, बताओ अमर बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? अंकल पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन आई है। गुड, वेरी गुड, मुझे यकीन है कि जिंदगी में तुम जरूर तरक्की करोगे। थैंक यू अंकल। अंकल पूनम कैसी है? अक्सर तुम्हारा जिक्र किया करती है। मैं भी उसे बहुत मिस किया करता था अंकल, और फिर आपके और डैडी के अलावा मेरा दूसरा है कौन? देखिए राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह जी, आपको तो मुझसे रिश्ते की बात करते हुए शायद शर्म आएगी, क्योंकि आप बड़े आदमी, मैं छोटा आदमी हूं, इसलिए मैं शुरुआत की देता हूं कि मुझे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी पूनम का हाथ चाहिए। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, अगर वो मेरे घर की बहू बन जाए तो आपको कोई एतराज है? अरे यार तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे इससे अच्छा दामाद मुझे और कहां मिल सकता है? क्या माल बैठा हुआ यार। हाय बेबी, आजा मेरी जान, हाय हाय आजा। चलो चलो यहाँ से। ओ स्वीटहार्ट, ओ कहाँ चल दिए मेरा दिल लेके? हाय जाने मन, कहाँ जा रही है? कितना अच्छा मौसम है यार, जी चाहता है बस यूं ही बैठे रहे। ऑफिस नहीं जाओगे? जब से आप मिली हैं मैं सब भूल चुका हूँ। हाँ एक बात पक्की है, वो अन्ना जरूर मेरी छुट्टी कर देगा। कौन वो गैरेज वाला अन्ना? नहीं नहीं, वो हमारे ऑफिस वाला अन्ना, वो मेरे पिताजी का अच्छा दोस्त है ना, वो हर वक्त डांटता रहता है, डरता कि मैं किसी उल्टे सीधे चक्कर में ना फंस जाऊं। तुम ऐसा करो, मुझे उससे मिला दो। हाँ। मैं उसे सब समझा दूंगी। पर तुम एक बार मुझे अपने घर तो ले चलो। घर? हाँ हाँ, हाँ क्यों नहीं, घर तो ले ही जाएंगे, इसमें क्या घर तो ले। लगता है वो फिर अबे डर जा, गाड़ी यहीं पे खड़ी है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जबे मुझसे डर गया? जाओ ना भाई, क्यों परेशान करते हो, करो ना अपना काम। अबे चाबी तो दे दे इधर। अरे ये क्या भाई, ये क्या जबरदस्ती है, लाइए चाबी दीजिए। क्या कह रहा हूं मैं, चाबी दीजिए। चाबी चाहिए क्या है साहब, हमसे क्या गलती हो गई? चाबी दे दीजिए, देखिए देखिए हम शरीफ लोग हैं। शरीफ है ये ले। क्या है ये साहब?
उठा जावे, उठा जावे, जल्दी कमान कमान। ये राजा काहे को परेशान होता, सिटी का कोई भी बंगले में लेके जाना ना तेरा चांस सितारा को। कैसी बात कर रहे हो अन्ना, मकान मालिक जूते मारेगा मुझे। ये तुम प्यार करेंगे तो जूता तो कहना पड़ेगा। अब तुमको मजाक की पड़ी और यहाँ मेरी जान पर बनी है। मेरे संगीत सम्राट कोई आइडिया तो निकाल। राजा मेरे को क्या टाइटल दिया फिर से बोलना जी? संगीत सम्राट। अयो तुम ऐसा बोलता तो मेरा कलेजा एकदम नरम नरम हो जाता। ये लो राजा, ये पैसा लो। क्यों? ये पैसा लो जी, सिटी में जो भी काली बंगला होगा उधर जाना, उसके मालिक का हाथ में देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। अच्छा कहिए साहब, तुम्हारा सेठ है अंदर? हाँ है, मिलना है तो अंदर जाकर बोलूं। अच्छा मेरा हेलो बोलना उसको। अच्छा साहब, हाँ ठीक 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 ठीक, सलाम साहब। ए वॉचमैन, कौन है तुम्हारा साहब? अरे ये तो कुत्ता, ये तो ये काटेगा तो। अपने कुत्ते को प्यार देना। अरे कहीं काट गया तो 14 इंजेक्शन लगेंगे। बंगले कुत्ते को प्यार बोलता है? बंगले क्या है? क्या ऊपर वाले, चल भाई एक और बात तय करते हैं। ए माले, ए दरबार, अरे वॉचमैन आओ आगे। कौन भाई, क्या बात है? वो तुम्हारे साहब है घर में? वो तो दिल्ली गए हैं। दिल्ली गए? हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। कब तक वापस आने वाले हैं? वो तो कल ही गए हैं, दो चार दिन में आएंगे। अरे वाह, फिर तो और भी अच्छी बात है। क्या कह रहे हो तुम, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब यार बात यह है कि दरअसल मैं और मेरी बीवी थोड़ी देर के लिए इस बंगले में आना चाहते हैं। थोड़ी बंगले में? अरे जरा अपना हुलिया तो देखो। हमारी यार नई नई शादी हुई है, मेरी बीवी गांव वाली है ना, वो क्या है वो कभी नरम नरम सोफे पर बैठी नहीं ना, उसे उस पर बैठने का मौका दो ना एक बार प्लीज। नहीं नहीं हरगिज नहीं, मैं अपने मालिक का नुकसान कभी नहीं होने दूंगा। अरे यार मान जाओ यार, तो एक घंटे की तो बात है, तुम्हारा नुकसान थोड़ी हम करेंगे। और फिर मैं तुम्हें पूरे 100 रुपए दूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारे 100 रुपए। मुन्ने के पापा जरा सुनिए। 100 रुपया? हाँ। इधर आइए। क्या बात है मुन्ने की माँ? आने दीजिए, एक दो घंटे की तो बात है, मुन्ने के स्कूल की फीस भर देंगे। ले लो। तुम कहती हो भाग्यवान तो ले लेता हूँ। गंजे की बीवी ज्यादा समझदार है। अच्छा ठीक है, आइए। देखना हमारा कोई नुकसान नुकसान नहीं होने देना। अमा यार तुम्हारे मालिक का बंगला हमारा बंगला, हम थोड़ी को नुकसान होने देंगे। ये पकड़ो तुम्हारे 100 रुपए। और सुनो ये 20 और रखो। जब हम आए तो बड़े अदब से चाय पेश कीजिएगा। और सुनो ये 20 और पकड़ो, हमारी बीवी साहब को बड़े जोर से सैल्यूट मार रहा है। और सुनो आदत सी पड़ोगी तुम्हारी। तुम्हारा नाम क्या है? शंकर दयाल। दूसरे नाम बोलो। शंकर दयाल। शंकर दयाल। अब चलते बनो। शंकर दयाल, शंकर दयाल। चलो भाई ले आओ लड़की। आइए साहब, आइए आइए। उधर इडियट। सलाम मेरे साहब, आइए ये आपका। आइए आइए, ये मेरा ही है। आइए आइए आइए। वेलकम वेलकम, आइए आइए। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ये सब आपने खुद ही डेकोरेट किया है? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई शक नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप इतने बड़े आदमी हैं, बहुत बिजी रहते होंगे, ये सब करने का वक्त कहाँ मिलता होगा आपको? वो क्या है कि मैं घर के मामले में बड़ा पर्टिकुलर हूँ, मैं हर चीज में बड़ा इंटरेस्ट लेता हूँ, हर चीज में, यू नो। बड़ी अच्छी आदत है आपकी, बहुत अच्छी बात है ये। अभी तो शुरुआत है, आपने कुछ देखा नहीं, आई मेरे पीछे आई 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 जी। हाँ जी, तो ये रहा हमारा पहला कमरा, आइए। अरे क्या हुआ? मेरा 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 लाडला कुत्ता सो रहा है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वाह क्या किस्मत पाई है आपके कुत्ते ने, कमरा एयर कंडीशन होगा। ये क्या है? आइए आइए।
छोटी बात है। आइए आइए, प्लीज कम इन, फॉलो मी, नाइस। ये मेरा कमरा, ये नीचे भी जाता है। ये आपका कमरा है, ये आइए बैठिए इधर। ये सब सोफा नरम नरम, बिल्कुल नरम। वाकई आपका बंगला बड़ा शानदार है। हाँ वो तो क्या कि हम जल्दी में थे, वरना आपको अपने एक से एक आलीशान बंगले दिखाते हैं, एक से एक। क्या आप म्यूजिक का भी शौक रखते हैं? जी, म्यूजिक तो ऐसे समझ लीजिए जैसे हमारे रग रग में बसा हुआ है। ओ, तो आपके पिताजी भी संगीत के फनकार थे? अजीब पिताजी, क्या पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी के पिताजी, हम सब संगीत के फनकार रहे हैं सब। अच्छा, तो कोई अच्छा सा गाना सुना दीजिए ना प्लीज। क्यों नहीं, प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं। अबे वो क्या रामदयाल, नहीं नहीं श्याम दयाल, अबे कोई दयाल, अबे कामर गए सब, कामर गए। अभी आया हुजूर। अमा दीन दयाल साहब, मेम साहब आई हैं, जरा चाय पेश करो। हुजूर अभी लाया। लेकिन हुजूर मेरा नाम शंकर दयाल है। अमा शंकर दयाल हो या कंकर दयाल हो, नाम तो नाम ही होता है भाई। अभी क्या करे, इतने मुलाजिम है, किस किस के नाम याद रखे। जाओ भाई जाओ, तुम क्या देख रहे हो, जाओ चाय लाओ। अभी लाया। वाकई आप कैसे याद रख सकते हैं, इतने ढेर सारे मुलाजिम। हाँ छोड़िए मुलाजिम की बात, आप मुझे अच्छा सा गाना सुनाइए ना। हाँ प्लीज। क्या करें, कौन सा आप रिकॉर्ड सुनना पसंद करेंगे, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, अरबिस्तानी? जो आपको पसंद हो सुना दीजिए। जो मुझे पसंद हो? हाँ। पूनम जी, मेरी मेरी पसंद तो आप हैं। जी जी हाँ। नहीं राजा साहब, ये बिल्कुल नामुमकिन है। भला आसमान और जमीन कभी आपस में मिले हैं? और फिर हम दोनों के बीच दौलत की इतनी बड़ी दीवार है। दौलत तो आनी जानी छांव है पूनम मेम साहब, और फिर हो सकता है कि कल दौलत आपके कदम चूमे और मैं गरीब हो जाऊं। ईश्वर न करे कभी आप गरीब हो। क्यों? हाँ। गरीब होना क्या कोई जुर्म है? क्या गरीब के सीने में दिल नहीं धड़कता? अरे प्यार तो गरीबों में मिलता है। दरअसल दरअसल पूनम मेम साहब, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। मैं आपको सब बता देना चाहता हूँ कि ये मैं। ओफ राजा साहब छोड़िए ना, आप ही किन बातों में पड़ रहे हैं। मैं तो भूल ही गई थी। देखिए, मैं जिनके घर बच्चों को पढ़ाती हूँ वो कल मेरी सालगिरह मना रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ आए, आपको जरूर आना होगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप ना नहीं कहेंगे, मैं वहाँ आपका इंतजार करूंगी। लेकिन प्लीज अब मान भी जाना मेरी मालकिन। बिल्कुल नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। ओहो मान जाना यार। बस बस बहुत होली। हाँ अपनी तनख्वाह तो बस एक दिन में उड़ा देता है। अरे भीख नहीं मांग रहा हूँ, कर्ज मांग रहा हूँ, लौटा दूंगा। कर्ज मांग रहा हूँ लौटा दूंगा, इतना फालतू खर्चा करता ही क्यों? अरे अपने यार को सालगिरह पे तोहफा देना कोई फालतू खर्चा नहीं होता। और नहीं तो क्या, अमीरों के लक्षण है। हाँ ए, अरे सुन तो। जा मेरा पीछे छोड़, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। हम गरीब जरूर है पर दिल के तो अमीर है ना। अपने लिए एक बनियान ठीक से खरीद नहीं सकता, बड़ा आया यार को तोहफा देने वाला। देख सोनम, इस वक्त तू मेरे काम आ जाने तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा। देख जरा सोच, मैं अगर अपने यार किया खाली हाथ गया तो तेरे राजा की क्या पोषण रहेगी। देख मेरी इज्जत का सवाल है, दे देना यार, दे दे प्लीज। जा जा रो मत। कितना पैसा चाहिए? अरे वाह, दे दे कोई 500-600 रुपए। इसमें से ले 500 रुपए। शाबाश, तू भी क्या याद रखेगा, किसी रईस से ताला पड़ा था। 3-4-5 ले, बाकी पकड़, चल पकड़। हां थैंक यू। हां पूनम, तुम्हें राजा को पार्टी में नहीं बुलाना चाहिए था। देखो दीदी, मैंने राजा को जितना जानना था ना, मैं उसे जान चुकी हूँ। अरे पर अब उससे क्या छुपाना, मैं उसे पार्टी में बता दूंगी कि मैं एक गरीब टीचर नहीं बल्कि सेठ राय बहादुर की बेटी हूँ। इसी बहाने उसके पापा से भी मुलाकात हो जाएगी। सारे मेहमान आ गए पूनम, मगर वो नहीं आए, कमाल है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। चलो बेटे चलो, केक काटो, बहुत वक्त हो गया है। जी जी पापा। चलो बेटी, सारे मेहमान आ गए हैं, काटो ना केक। वो क्या है अंकल, इसकी कोई खास सहेली आने वाली है, उसका इंतजार हो रहा है। जल्दी चलो। बेटी का जन्मदिन मुबारक हो, राय बहादुर महेंद्र सिंह। जन्मदिन मुबारक हो पूनम। थैंक यू।
पूनम को जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। इतनी जल्दी लौट आया? हाँ सोनम, मैं उस महफिल के काबिल नहीं था। तू तो बड़े चाव से तोहफा लेके गया था। एक गरीब का तोहफा यार की नजरों में क्या जचता? मेरा तोहफा उसकी हैसियत से बहुत छोटा था। ये तू कैसे बहकी-बहकी बातें कर रहा है रे? कुछ खाया भी या भूखा ही लौट आया? मेरी तो भूख ही खत्म हो गई। अमीरों से दोस्ती करेगा ना तो यही नतीजा निकलेगा। हाँ तू दिल छोटा मत कर, चल मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। वो तो मेरे ख्यालों से कहीं ज्यादा अमीर निकले। मैंने तो सोचा था कि आज मैं अपनी हकीकत उसे बता दूंगा, मगर हो कुछ और ही गया। जो हुआ अच्छा ही हुआ राजा। आप? हाँ मैं सब कुछ जानती हूँ राजा। जी मैं आपसे बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ पूनम मैम साहब। मैंने आपको धोखे में रखा, मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। माफी की क्या बात है, तुमने मजाक में मुझसे झूठ बोला और मैंने मजाक में तुमसे झूठ बोला, हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर नहीं हुआ पूनम मैम साहब, मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े, वरना मैं आपसे जानबूझकर कभी झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। ये क्या आप आपकी रट लगा रखी है, सीधी बात करो ना। सीधी बात तो ये है कि मैं आपके काबिल नहीं हूँ। छोड़ो ना राजा, जो होना था सो हो गया। मोहब्बत और जंग में हर चीज जायज होती है। असल में हम दोनों ही हकीकत पर पर्दा डाल रहे थे, अगर वो जुर्म था तो हम दोनों ही मुजरिम हैं। पूनम? हाँ राजा, तुम एक बार पापा से मिलकर देख लो, वो मेरी पसंद कभी नहीं ठुकराएंगे। सच? हाँ। ओ पूनम, मैं पागल हो जाऊंगा। पागल तो तुमने मुझे कर दिया है राजा। पूनम मुझे यकीन नहीं हो रहा। यकीन करो ना राजा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी हूँ और हमेशा रहूंगी। पूनम? हाँ पूनम। इतनी रात गए जवान बेटी का घर से बाहर रहना, राय बहादुर ये तेरी अपनी कमजोरी है, कहीं कुछ हो गया तो खानदान की इज्जत का क्या होगा। वो कौन शख्स है जिसने इतनी रात गए देर तक हमारी बेटी को घर से बाहर रहने पर मजबूर कर दिया? वो राजा है पापा। कौन राजा? क्या वो हमारी तरह दौलतमंद है? ये तो मैं नहीं जानती कि कितनी दौलत है उसके पास, मगर वो एक अच्छा इंसान है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या उसकी हैसियत हमारी हैसियत के बराबर है। हम ये जानना चाहते हैं कि उसके माँ बाप क्या करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या करता है। वो मोटर मैकेनिक है। हाँ पापा ये सच है। हम तुम्हारी खुशियों के लिए अपनी जान दे सकते हैं, मगर इज्जत कुर्बान नहीं कर सकते। लेकिन गरीब होना कोई जुर्म नहीं है। मगर झोपड़ों में रहकर महिलाओं के ख्वाब देखना सबसे बड़ा जुर्म है। मोटर मैकेनिक, तुम एक मामूली से मोटर मैकेनिक से शादी करना चाहती हो?
जिसकी तनख्वाह शायद तुम्हारी एक जूती की कीमत से भी कम होगी। तुम एक ऐसे आदमी को राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह का दामाद बनाना चाहती हो जिसकी हैसियत हमारे घर के एक नौकर से भी कम है। आपके इन सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास पापा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि राजा एक अच्छा इंसान है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं राजा से प्यार करती हूँ। ऊपर वाले की लीला अपरंपार है सोनू। जब वो किसी पर मेहरबान होता है ना तो खूब ही होता है। अब देखो ना कहां मैं और कहां शहर के सबसे बड़े सेठ राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी। वाह, पर एक बात है, उस लड़की को भी दाद देनी पड़ेगी यार। उसने प्यार के सामने दौलत को ठुकरा दिया। अरे ये क्या, तेरी आंखों में आंसू? अरे ये तो खुशी के आंसू है, वो तुझे खुश देखकर मेरी आंख खुद ही भर आई। अच्छा अब तो सुनो, एक ही ख्वाहिश है कि तेरे लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाए ताकि हम दोनों की शादी एक ही दिन हो। आप परेशान मत होइए पापा, मैं पूनम को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। दीदी दीदी आप पापा को क्यों नहीं समझाती? हर बात को दौलत के तराजू में तोलते हैं। प्यार मोहब्बत करना अगर इंसान के बस में होता तो कोई भी इंसान कभी प्यार नहीं करता। मिलना बिछड़ना ये सब तो ईश्वर की मर्जी से होता है, फिर ईश्वर की मर्जी पर पापा क्यों अपनी बंदिशें लगाते हैं? दीदी आप पापा को समझाइए कि वो राजा का प्यार मेरी झोली में डाल दें। मैं समझूंगी मेरे पापा ने मुझे सब कुछ दे दिया। मैं अपने राजा को नहीं भुला सकती, नहीं भुला सकती मैं उसे, कभी भी नहीं भुला सकती। राजा कुछ बोलोगे नहीं, आज चुप ही रहोगे? यकीन नहीं आता पूनम, यकीन नहीं आता कि इतने बड़े घर की बेटी एक मामूली गरीब की बाहों में। जो बात सच है उसे सोचना क्या, डर सा लगता है। मुझे तो यकीन है कि तुम्हारे पापा इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ राजा, पर डरने से क्या होगा? आज घर जाकर मैं पापा को समझाऊंगी। तुम ऐसा करो कल आकर पापा से मिलो। कल? लेकिन पूनम। कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम्हें कल आना ही होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, आओगे ना? पूनम, हमारे मना करने के बावजूद आज तुम फिर उस लड़के से मिलने के लिए गई। मैं मजबूर थी पापा। कैसी मजबूरी? मन की मजबूरी। देखो पूनम, जिद्दी बच्चे हमें जरा भी पसंद नहीं है। जिद मैं कहां कर रही हूँ पापा, जिद तो हमेशा इस घर में आप ही की चली है। अपनी इसी जिद में आकर आपने दीदी का रिश्ता एक करोड़पति बाप के बेटे से किया था। नतीजा क्या निकला आपकी इस जिद का? आज दीदी घर बैठी है। वो उसका अपना मुकद्दर है, समझी? मुकद्दर नहीं पापा, ये आपकी झूठी जिद है, आपके झूठे उसूल है। जबान को लगाम दो पूनम, क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पैदा किया है कि तुम हमसे इस तरह से सवाल जवाब करो? पैदा करने का मतलब ये भी तो नहीं है पापा कि जिंदगी मेरी हो और उस पर हुकूमत आपकी हो, कि सांसें मेरी हो और उन पर अधिकार आपका हो। सुना तुमने? सुना तुम्हारी बहन हमें क्या कह रही है? ये हमें हमारे अधिकार समझा रही है। उस दो टके की लड़के की मोहब्बत में अंधी होकर ये आज की छोकरी राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह को उसके अधिकार समझा रही है। लगता है इसे बाप नहीं पाप की अर्थी चाहे। ये बाप की अर्थी के फूलों से अपनी मोहब्बत की डोली सजाना चाहती है। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो ये लो अपने बाप को गोली मार दो, मार दो गोली। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? अपने खानदान की इज्जत को बर्बाद करने वाले तुम्हारे ये हाथ आज बाप पर गोली चलाते वक्त क्यों कांप रहे हैं? चल चला गोली। नहीं चला। नहीं पापा, मार दे अपने बाप को, नहीं, मार। नहीं, नहीं पापा, नहीं। सुनिए जी, वो हाँ जी पूनम मैम साहब हैं? हाँ अंदर ही।
लो जी, तुमने बुलाया और हम चले आए। मैंने बुलाया? लगता है गलतफहमी हुई है आपको। ये क्या कह रही हो तुम? तुमने ही तो कहा था कि मेरे घर आना और मेरे पापा से शादी की बात करना। क्यों? मैंने कहा था? नहीं, वो तो मजाक किया था मैंने। तुमने मुझसे दिल लगी की थी, मैंने तुमसे दिल लगी की। दिल लगी तो और क्या, भला कभी आसमान और जमीन भी एक हुए हैं? कहां एक मामूली मोटर मैकेनिक राजा और कहां इस शहर के सबसे बड़े रईस की बेटी। दोनों का मिलना दिल लगी नहीं तो और क्या है। तो क्या तुम मुझे अब तक बना रही थी? तुम भी तो मुझे बना रहे थे, हम दोनों आंख मिचोली खेल रहे थे। समझ लो अब आंखों से पट्टी उतर चुकी है, खेल खत्म हो चुका है। खेल? हाँ खेल, जिसे शुरू तुमने किया था उसे खत्म मैंने कर दिया। पूनम चिल्लाइए मत, ये किसी गरीब आदमी का घर नहीं है, राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की कोठी है। राजा, तुम्हारी ये मजाल कि तुम राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह के घर में आकर उसकी बेटी पे हाथ उठाओ है? बेटी के मुंह पर लगे एक तमाचे से आपका खून खौल उठा, मगर आपको वो जख्म नजर नहीं आया जो एक रईस जादी ने गरीब के दिल पर लगाया है। बकवास बंद करो वरना अभी पुलिस के हवाले कर दूंगा, सारी जिंदगी चक्की पीसते गुजर जाएगी। जो कयामत मुझ पे गुजरी है, जेल की चक्की तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। राय साहब, मुझे घर बुलाकर ठुकराया गया है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया गया है, मेरे अरमानों का खून बहाया गया है। खामोश, अपनी औकात पहचानो और चले जाओ यहां से। एक बात अपनी बेटी को समझा दीजिए राय साहब, किसी गरीब के साथ दिल लगी ना करे, दिल लगी गरीब की जान ले लेती है। गुड मॉर्निंग आनंद। गुड मॉर्निंग, खैरियत? आज सुबह सुबह कैसे भाई? बस यार, रात भर सो नहीं पाया। क्यों? यूं ही बेटी की चिंता खाई जा रही यार। बेटी की चिंता और तुझे? छोड़ना यार। यार मजाक छोड़, मैं सीरियसली चाहता हूँ कि अमर और पूनम की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो हो जाएगी, तू इतनी सी बात के लिए अपना दिल क्यों जलाता है? अरे अरे, ये क्या कर दिया तुमने, कोट क्यों जला दिया? मत बुझा इस आग को सोनम, चलने दे, खूब भड़क लेते, शोलों को इतना बुलंद हो जाने दे कि आज दिल की आग महलों तक जा पहुंचे। तुमने इतने कीमती कोट को कैसे जला दिया जिसे तुमने इतने अरमानों से बनाया था? इस सूट ने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया है, इसने मेरी हैसियत भुला दी थी, मेरी असलियत पर पर्दा डाल दिया था। ये सूट पहनकर मैं भूल गया था कि मैं एक मामूली गरीब मिस्त्री हूँ। बस बस, बहुत होली, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए राजा? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। बस करो राजा। मत कहो मुझे राजा, मुझे इस नाम से नफरत है, मैं कोई राजा नहीं, मैं तो बेकारी हूँ, बेकारी। अगर मैं राजा होता तो राय साहब मुझे दो कोड़े का इंसान नहीं कहते। पूनम ये नहीं कहती कि मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो। मजबूरी तो मेरी है कि मैं गरीब हूँ, मजबूरी तो मेरी है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मजबूरी तो मेरी है कि मैं हैसियत में उसके बाप से कम हूँ। नहीं राजा नहीं, मोहब्बत में जात पात देख के इतना अमीरी गरीबी, ये सब झूठी बातें सोनम, ये सब। राजा गुड मॉर्निंग मैम। आप कब आए? बस यूं समझ लीजिए कि अभी आए। कैसे हैं आप? अजी हम तो अच्छे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि जब से हम अमेरिका से आए हैं आप कुछ उदास सी खोई खोई सी रहती हैं। वजह जान सकता हूँ? वजह तो कुछ भी नहीं है, बस यूं ही तबीयत ठीक नहीं है। अजी तो हमसे कहिए ना, हमारे पास हर मर्ज का इलाज है। मेरे ख्याल से आपको ताजी हवा की बहुत सख्त जरूरत है, और ताजी हवा वैसे भी तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छी होती है। आइए तो कहीं सैर के लिए चलते। सैर नहीं जी, वो देखिए पूनम जी, जी भी नहीं चलेगा। आज हम ये फैसला करके आए हैं कि आज सारा दिन हम आपके साथ घूमेंगे, आपके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, आपके साथ लंच लेंगे। आइए चलिए, देखिए दिल मत तोड़िए प्लीज, चलिए ये हुई ना कुछ बात। अय्या राजा,
ये क्या हालत बना के रखा तुम? 9 दिन से काम पे क्यों नहीं आया? काम करने को जी नहीं करता अन्ना, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। क्या गड़बड़ जी, कैसा बात करता तुम? क्या चांद सितारे से तुम्हारा झगड़ा हुआ? राजा, ये चांद सितारा किसी का भी नहीं हुआ ना, लेकिन तुम परवाह नहीं करना, ये अन्ना है ना तुम्हारा, एक से एक अच्छा चोकरी तुम्हारा पैर के नीचे ला के डालेंगे जी। अच्छा चलता हूँ मैं। ऐसा कैसा, मेरे साथ में चल, मैं तेरे को उड़ी पी के कॉफी पिलाता। नहीं अन्ना, चल मेरा बेटा। नहीं चल अन्ना, राजा के सामने अमर के साथ अपने आप को पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने आप को धोखा दे रही हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गुनाहों के आग में झुलस रही हूँ। पर हकीकत तो ये है मेरी बहन कि तुम्हें अमर के साथ ही जिंदगी गुजारनी है। ऐसा चाहते हुए भी मुझसे ऐसा नहीं होगा दीदी। मैं राजा को अपनी जिंदगी से, अपने दिल से नहीं निकाल सकती। राजा, राजा मेरी हर सांस में बस चुका है। दीदी, दीदी कुछ कीजिए, अगर राजा को कुछ हो गया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सब्र से काम लो पूनम, सब्र से। अगर राजा तुम्हारी तकदीर में लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उससे जुदा नहीं कर सकती। भगवान पर भरोसा रखो पूनम। प्यार कर लिया हो
प्यार कर लिया दिल की बात मान के हम तो बैरी हो गए आप अपनी जान के आप अपनी जान के मुझे दीवाना तुमने हो तुमने बनाया था क्यों दीवाना तुमने बनाया था क्यों क्यों मुझको नींद नहीं आती आती मुझको नींद नहीं आती मुझको नींद नहीं आती मुझको नींद नहीं आती मुझको नींद नहीं आती आना डॉक्टर बाबू ये कमरे में राजा क्या ले क्यों लाए हो डॉक्टर साहब को अन्ना तुम लोग मुझे चैन से मरने भी नहीं दोगे राजा डॉक्टर साहब मुझे दवा नहीं सहर दे दीजिए मुझे जिंदगी नहीं चाहिए डॉक्टर साहब नहीं चाहिए डॉक्टर का काम जिंदगी देना है जहर नहीं जिसे खुद मौत की आरजू हो मौत की आरजू बुजदिल क्या करते हैं राजा बेटा जिंदगी से नफरत वो करते हैं जिनमें गमों के तूफान से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती मैं हार गया हूँ डॉक्टर साहब मैं टूट गया हूँ राजा अरे तुम तो बड़े जिंदा दिल हुआ करते थे हर घड़ी तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहटें दौड़ा करती थी ये तुमने क्या हाल बना रखा है जिस बदनसीब का आशियाना बिजलियों की नजर में आ जाए उसे चलने से कौन बचा सकता है किसने किसने जलाया तुम्हारा आशियाना हालात की सितम जरीफी देखी डॉक्टर साहब लुटने वाला लुटेरे का नाम भी नहीं ले सकता लगता है बेटा तुम्हें कोई बहुत गहरी चोट लगी है उसका इलाज दवाओं से नहीं दुआओं से होगा हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो तुम्हें बहुत जल्द सेहतयाब कर दे चल ऑल द बेस्ट दुआओं से भी कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरा राजा ठीक हो जाएगा ना हाँ राजा को कोई बीमारी नहीं है ऐसे लगता है जैसे कोई गहरा सदमा पहुंचा है उसे अब ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब
किसी करोड़पति बाप की बेटी की नजर लग गई मेरे राजा को। क्या करिए दाता साहब, राय बहादुर महेंद्र सिंह का बेटी ने मेरा राजा का दिल तोड़ दिया। तुम चिंता मत करो बेटी, राजा अच्छा हो जाएगा ये मैं वादा करता हूँ। हाँ ये मेरा कार्ड है, इसे संभाल कर रखना, कभी भी जरूरत पड़ जाए तो मुझे बुलाने में देर मत करना बेटी। हा? जी डॉक्टर साहब। चल आई। हम तुम्हारी बीमारी से वाकिफ हो गए हैं बेटी, बहुत जल्द तुम्हें अच्छा कर देंगे। जिसका ईश्वर ही उससे रूठ गया हो उसे डॉक्टर क्या ठीक करेगा। अपने डॉक्टर अंकल पे भरोसा नहीं है? अपने आप पर भरोसा नहीं है। मगर हम पर भरोसा रखो बेटी, हम बहुत जल्द तुम्हारी बीमारी का इलाज कर देंगे। सोनू, सोनू बेटी। बाबा। बेटी अब राजा का क्या हाल है? राजा की तबीयत ठीक नहीं है बाबा, उसे बहुत तेज बुखार है। अच्छा, हाँ तो फिर मैं किसी डॉक्टर को लेकर आऊं? डॉक्टर को नहीं बाबा, राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी पूनम को ले आइए। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ बाबा, राजा पूनम से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। मगर राजा की शादी तो तुम्हारे साथ होने वाली बेटी। वो मेरे नसीब में नहीं है बाबा। ये कैसे हो सकता है? हमने बचपन में ही फैसला कर लिया था कि तुम्हारी शादी राजा के साथ ही होगी। आपके फैसले से क्या होता है बाबा? फैसला तो ऊपर वाले का होना चाहिए। शायद इस जन्म में राजा मेरे मुकद्दर में नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बेटी, राजा तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। अब बहुत देर हो चुकी है बाबा, राजा किसी और का हो चुका है। आपकी जबरदस्ती मुझे राजा तो दिला देगी लेकिन राजा का प्यार नहीं। अब जाने दीजिए ना, जो होना था हो गया बाबा, अब देर मत कीजिए। चाहिए जाकर राय बहादुर जी को समझाइए और राजा को उसकी पूनम दिला दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, चाहिए। इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी तुमने, आप ही से तो सीखा है बाबा। आपने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं कुर्बान किया। प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी है ना बाबा? हाँ बेटी, आज तूने एक गरीब बाप का सीना चौड़ा कर दिया बेटी, एक राजपूत का सिर ऊंचा कर दिया तूने बेटी। मैं वही करूंगा जो तू चाहती है बाबा। राय बहादुर महेंद्र सिंह से कहो कि जगपाल सिंह उनसे मिलने आया है। वो तो बाहर गए हुए। वापस कब आएंगे? जी मालूम नहीं। तो उनसे कहना कि हम कल शाम को उनसे मिलेंगे। जी। हाँ तो अमर साहब, आगे क्या इरादा है आपका? जी मेरा मतलब है कि आप पढ़ाई जारी रखेंगे या फिर कारोबार शुरू करेंगे? मैं अमर को एक बहुत बड़ा अच्छा सा हॉस्पिटल खोल के देना चाहता हूँ। ख्याल अच्छा है, वैसे भी आजकल दो ही धंधे तो चल रहे हैं, एक शराब का और दूसरा अस्पताल का। अबे तू हमेशा पैसे के बारे में सोचता रहता है। हम डॉक्टर लोग ये पेशा पैसे के लिए नहीं, इंसानों की सेवा करने के लिए करते हैं। अच्छा जी, आपकी समझ में नहीं आएगा, आप शराब पीजिए। डॉक्टर साहब देखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे मुझे हुआ क्या है जो तुम मुझे यहाँ ले आइए? बिल्कुल ठीक तो हूँ। चल चलो घर वापस। चल ये क्या बात हुई राजा, अब आए हैं तो डॉक्टर साहब को दिखा के चले। नहीं दिखाना डॉक्टर को आज। सुन ना राजा, बात मान ना। अरे राजा आओ ही आओ। देखिए ना डॉक्टर साहब, आपको बिना दिखाए राजा वापस जा रहा था अभी। क्यों? फिर कभी आ जाऊंगा डॉक्टर साहब। नहीं। अरे ऐसे कैसे, मेरे आए हो तो ऐसे जा सकते हो क्या? लेकिन आओ आओ आ जाओ। ये मेरा बेटा अमर। हेलो। अमेरिका से डॉक्टरी पास करके आया है। और ये है राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की बेटी पूनम। बेटी तू तो इसे जानती होगी। खैर, और ये कल्पना। नमस्ते। और ये है राजा, सिर्फ नाम का ही नहीं दिल का भी राजा है। बैठो। अरे बैठो ना। हाँ बैठो।
अरे नीचे नहीं ऊपर बैठो, क्या कर रही हो? नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके चरणों में ही ठीक हूँ। शायद आपको रहम आ जाए और आप मेरे राजा की बीमारी दूर कर दे। अरे तुम ऊपर बैठो, राजा की तबीयत हम वैसे ही ठीक कर देंगे। बैठो। बाय द वे, इन्हें क्या बीमारी है पापा? क्या बताएं बेटा, ये इंसान कभी खिले हुए फूल की तरह था। इसके एक मुस्कुराहट पर मुरझाई हुई कलियां भी खिल उठती थी। अब खुद मुरझा गया है, जाने किसकी नजर लगी इसे। डॉक्टर साहब, मेरा यहाँ दम घुटने लगा, मुझे जाने दीजिए। अरे कुछ नहीं है, कुछ देर हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ, तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। खुशियां? डॉक्टर साहब ना जाने क्यों मुझे मुझे खुशियों से डर लगने लगा है। अरे कोई डर वर नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिमाग का फुतूर है, कोई डर नहीं है। अच्छा हाँ, बहुत दिन हो गए तुम्हारा कोई अच्छा सा गीत नहीं सुना। अरे पता है ये बहुत अच्छा गाते हैं, चलो इसी बात पे गीत सुना डालो। आपको शर्म नहीं आती डॉक्टर साहब? माफ करना, मेरा मतलब है एक मरीज को आप गाना गाने के लिए कह रहे हैं? चलो राजा चलते हैं। नहीं सोनू, मैं डॉक्टर साहब की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। राजा तुम? अरे फिर कौन जाने ऐसी महफिल नसीब हो या ना हो। प्यासी रह गई मोहब्बत की आरज़ू, आंसू ही दे गई मोहब्बत की आरज़ू।
मोहब्बत का देवता बन गए, नजर चुरा है अब वो ही बेवफा बन गए, बेवफा बन गए, बेवफा बन गए, बेवफा बन गए। ये जानते हुए भी कि अमर के साथ तुम्हारी शादी की तारीख तय हो चुकी है, तुम हम सब के बीच में से ये उठकर पागलों की तरह चली आई। आप सब कुछ जानते हैं पापा, फिर भी ये सवाल कर रहे हैं। कल्पना, इस बेवकूफ लड़की ने डॉक्टर आनंद के सामने हमारा सर नीचा कर दिया। दिल पे किसका बस चलता है पापा, राजा को भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। भूलना होगा तुम्हें, हमारी खातिर, हमारे खानदान की इज्जत के खातिर तुम्हें उसे भूलना होगा। बस कीजिए पापा, अब आप कब तक अपनी झूठी आन पर अपनी बेटियों का सुख कुर्बान करते रहेंगे। कल्पना, इस नादान लड़की को समझा दो कि अगर इसने अपने जज्बात पर काबू नहीं पाया तो हम उसे गोली मार देंगे जिसने इसे अपना दीवाना बना रखा है। हम उसे गोली मार देंगे जो हमारी आन से खेल रहा है। हम उसे गोली मार देंगे जिसने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। नहीं नहीं पापा, पापा आप राजा को कुछ नहीं कहेंगे। पापा आप राजा को कुछ नहीं कहेंगे। पापा आज के बाद मैं फिर कभी राजा का नाम जुबान पर नहीं लाऊंगी। पापा मैं उसका ख्याल भी दिल से निकाल दूंगी। पापा उसका ख्याल भी दिल से निकाल दूंगी। उसका ख्याल भी दिल से निकाल दूंगी। अंधेरा ही रहने दीजिए राय बहादुर साहब, हम तुम्हारी जिंदगी से अंधेरे को हमेशा के लिए दूर कर देना चाहते हैं। जहर पिलाकर जिंदगी की बात करते हैं आप। राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह को फिजूल की बातें सुनने की आदत नहीं है। हम तो तुमसे ये कहने आए हैं कि तुम यही ना कि मैं पूनम को ये एहसास दिला दूं कि मैं उससे मोहब्बत नहीं नफरत करता हूं, और उसके बदले आप मुझे बड़ी सी बड़ी दौलत मेरे कदमों में डाल देंगे। हाँ, हम किसी भी कीमत पर अपनी बेटी की खुशियां खरीदना चाहते हैं। राय साहब, खुशियां दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, दिल से खरीदी जाती है, कुर्बानी से खरीदी जा सकती है। अगर आप वाकई अपनी बेटी की खुशियां चाहते हैं तो पूनम का प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए। पूनम जिंदगी भर मेरे साथ खुश रहेगी। खुश यहां इस छोटे से घर में जो भी तुम्हारा नहीं है। कल मकान के मालिक ने अगर तुम्हें बाहर निकाल दिया तो कहां सुलाओगे मेरी बेटी को, फुटपाथ पे? बस कीजिए राय साहब, बस कीजिए। प्यार की बात आपकी समझ से बाहर है। भगवान के लिए घर जाकर सोचिए कि प्यार क्या है, प्यार का मतलब क्या है। मैं तुम्हें मौत से बढ़कर क्या देंगे आप? यहां इस छोटे से झोपड़े में जो भी तुम्हारा नहीं है। कल इसके मालिक ने अगर तुम्हें बाहर निकाल दिया तो कहां सुलाओगे मेरी बेटी को, फुटपाथ पे? राजा, सेठ साहब आए थे, क्या बात हुई उनसे? सब ठीक तो है ना राजा? क्या हुआ राजा, बोलो ना राजा, बोलो ना क्या हुआ, बताओ ना राजा। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं? राजा को खरीदने आए थे, राजा का प्यार खरीदने आए थे। ये रही समझते हैं कि दौलत से दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन राजा बिकाऊ नहीं है, बिकाऊ नहीं है ये। चुप हो जा राजा, चुप हो जा, भूल जाओ उनकी बातों को। इन रईस लोगों की बातें ही ऐसी होती है। देखो राजा, पूनम तुम्हारी है और पूनम तुम्हें जरूर मिलेगी। हाँ, मेरा दिल कहता है पूनम तुम्हें जरूर मिलेगी राजा। कल्पना, इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए हमें पूनम की शादी अमर के साथ जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। वो तो मजाक किया था मैंने, तुमने मुझसे दिल लगी की थी, मैंने तुमसे दिल लगी की। कहां एक मामूली मोटर मैकेनिक राजा और कहां इस शहर के सबसे बड़े रईस की बेटी। Thank you.
राजा। अरे राजा, तुम यहाँ शराब पी रहे हो? हमने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, चलो घर चलो। जाओ अपना काम करो। नहीं, हम तुमको लेके जाएंगे। मैंने कहा ना, मुझे अपने हाल में छोड़ दो। जाओ। अजीब आदमी है। चलो। मेरे प्यार में, मेरी मोहब्बत में ऐसी क्या कमी थी पूनम? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राजा, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम शराब पी रहे हो राजा? राजा, शराब नहीं, जहर पी रहा हूँ जिंदा रहने के लिए। नहीं राजा, तुम गलत हो। शराब से जिंदगी नहीं, मौत मिलती है राजा। मेरी जिंदगी तुम मर कर शुरू होगी। नहीं राजा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। चलो उठो, घर चलो, अपने घर चलो राजा, चलो घर। राजा, 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 राजा। मेम साहब कहाँ है? मेम साहब, चाहिए आप? राजा की जान जा रही है। मेम साहब कहाँ है आप? कहाँ है मेम साहब? क्यों शोर मचा रही हो? क्या बात है? बस बस, बहुत होली। राजा वहाँ मर रहा है हमारा, और तुम यहाँ चैन की मीठी नींद सो रहे हो? अरे भगवान से डरा करो, भगवान से बर्बाद हो जाओगे तुम। खामोश लड़की। आज मैं खामोश नहीं रहूंगी, आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। सेठ जी, हमारी झोपड़ियों में आग लगाकर आप खुशियां नहीं मना सकते। हम गरीबों को प्यार के सपने दिखाकर आप आराम की नींद नहीं सो सकते। बकवास बंद कर, बच जा लड़की। सेठ जी, आप मुझे जितना चाहे मार लो, लेकिन हमारे राजा को बचा लो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पांव पड़ती हूँ, मेरे राजा को बचा लो आप। वो मर जाएगा, राजा मर जाएगा, आप बचा लो उसे। मरता है तो मर जाने दो उसे। मैंने आज तक अपनी बेटी के पास से हवा तक को गुजरने नहीं दिया, और तुमने उस पर हाथ चलाया। मौत को बुलाया है तुमने? बाबा नहीं, हम किसी को मारने नहीं आए। छोड़ दो मुझे। आपको मेरी कसम। ये क्या किया तुमने बेटी? कसम देकर तुमने मेरे हाथ बांध दिए। राय बहादुर, इस चाकू को देखो तुम। ये जब भी खुला है, दुश्मन का खून पिए बगैर कभी बंद नहीं हुआ है। गौर से देखो इसे, इसमें तुम्हारे जैसे और जालिमों के खून के धब्बे दिखाई देंगे तुम्हें। अरे शुक्र करो मेरी बेटी का, जिसकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। कैसे बाप हो तुम? मेरी तरफ देखो, देखो। एक बाप मैं हूं जो अपनी बेटी की खुशी के लिए जान तक कुर्बान करने को तैयार हूं, और एक बाप तुम हो जो अपने अहंकार के लिए अपनी बेटी की खुशियों का गला घोंट देना चाहते हो। तुम एक बाप नहीं, कसाई हो, कसाई जल्लाद हो तुम। जबान को लगाम दो, जानते हो किससे? जानता हूं किससे बात कर रहा हूं मैं। अब तुम भी जान लो, अगर तुम्हारी बेटी की शादी होगी तो सिर्फ राजा के साथ, वरना इस घर से तुम्हारी बेटी की डोली नहीं, तुम्हारी अर्थी निकलेगी, याद रखना। कहाँ जा रही हो? पापा मुझे जाने दो, राजा मर जाएगा। पापा मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। तुम चली गई तो तुम्हारा ये बाप मर जाएगा। नहीं पापा, पापा नहीं, पापा मुझे जाने दो।
किसने भेजा है तुम्हें? बोलो। राय, राय बहादुर। राय बहादुर। जग्गा, जो घटिया हरकत तुमने राजा के साथ की है उसका अंजाम सिर्फ मौत है। अपनी औकात में रहो तो अच्छा है जग्गा। अगर तुम हमारे होने वाले रिश्तेदार नहीं होते तो ये पल, ये वक्त तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त होता। हमें छोटे लोगों को मुंह लगाने की आदत है। राय बहादुर, सिर्फ दौलत जमा कर लेने से इंसान बड़ा नहीं हो जाता। राजा के रिश्ते को ठुकराने की वजह अगर दौलत है तो हम तुम्हारे कदमों में इतनी दौलत डाल देंगे जितनी तुमने देखी नहीं होगी। इंतजार करना हमारा। हाँ मिश्रा, ठीक है, 10 पेटी भिजवा दो, काम हो जाएगा। ओके। जग्गू दादा, वेलकम। जग्गू दादा वेलकम, आइए आइए बैठिए। आज कैसे रास्ता भूल गए आप? एक जरूरी काम हाथ पड़ा है ककड़। हुक्म कीजिए जग्गू दादा। भाई मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ी है। 20 क्या, 50 लाख रुपया मिल सकता है जग्गू दादा? पर घबराओ नहीं ककड़, मैं ये चाकू तुम्हारे पास गिरवी रखने आया हूं। मैं तुम्हारे पैसे जल्द वापस करने की कोशिश करूंगा। अगर वापस नहीं कर सका तो तुम जब चाहो, जिस काम के लिए चाहो, ये चाकू मैं तुम्हारे लिए उठा लूंगा। समझ गया उस्ताद, पैसा मिल जाएगा। क्या है इसमें? पूरे 20 लाख रुपए है राय बहादुर। दौलत की वजह से आपने राजा का रिश्ता ठुकराया था ना, कहिए और कितने रुपए चाहिए आपको? देखो जग्गा, रिश्ते दौलत से नहीं होते, रिश्ते होते हैं अपनी बराबरी वालों से। तुम उस लड़के से हमारी बेटी का रिश्ता तय करना चाह रहे हो जिसके न बाप का पता है न खानदान का? राय बहादुर साहब, इंसान का खानदान उसकी इंसानियत से पहचाना जाता है। राजा के जिस्म में भी वही खून है जैसा आपके जिस्म में है। काट कर देखेंगे तो दोनों का रंग लाल होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, इन दोनों बच्चों की शादी हो जाने दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। नामुमकिन। हम जानते हैं जसपाल सिंह, हम जानते हैं कि राजा और पूनम एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते हैं, और अगर उनको विवाह के बंधन में न बांधा गया तो शायद वो इस दुनिया में न रहे और जान दे दी अपनी। हम जानते हैं डॉक्टर साहब, आप मरीज को भी जानते हैं और मरीज की बीमारी को भी जानते हैं। बस अब इलाज कर दीजिए, राजा और पूनम के बीच से अपने बेटे की दीवार हटा दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। कैसी हो गई जसपाल सिंह? डैडी, मैं आपसे विनती करती हूँ, पूनम की शादी का फैसला बदल दीजिए। कल यहाँ बारात आने वाली है और आज तुम हमसे कहती हो कि हम अपना फैसला बदल दें? डैडी, मुझे आपके फैसले में बर्बादी नजर आ रही है। पूनम के मुकद्दर का फैसला ईश्वर पर छोड़ दीजिए डैडी। देखो कल्पना,
हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझ कर कर रहे हैं। डॉक्टर आनंद के बेटे के साथ शादी करने में ही पूनम की भलाई है। मगर डैडी, वो राजा के बिना नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब, आप मरीज को भी जानते हैं और मरीज की बीमारी को भी जानते हैं। बस अब इलाज कर दीजिए। राजा और पूनम के बीच से अपने बेटे की दीवार हटा दीजिए। राजा और पूनम के बीच से अपने बेटे की दीवार को हटा दीजिए। डॉक्टर साहब, डैडी, आप अभी तक सोए नहीं? कुछ नहीं, ऐसी नींद नहीं आ रही। क्या बात है डैडी, कुछ दिनों से आप बड़े परेशान लग रहे हैं। बेटा, तकदीर हमें अजीब सी दोराहे पे ले आई है। समझ नहीं आता क्या करें और किधर जाएं। एक तरफ बेटे का प्यार है और दूसरी तरफ पेशे की इज्जत का तकाजा है। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? ठीक कह रहा हूं बेटा, अगर डॉक्टर बन के सोचता हूं तो बेटे के अरमानों का खून होता है, और अगर बाप बन के सोचता हूं तो इंसानियत के दामन पे दाग लगता है। मैं आपके दामन पर दाग नहीं लगने दूंगा डैडी, आप हुक्म कीजिए। ना बेटा, आज मैं तुम्हें बाप बनकर हुक्म नहीं दे सकता। आज तुम्हें एक दोस्त बनकर हाथ जोड़कर तुमसे मदद मांग सकता हूं बेटा। भगवान के लिए मुझे गुनहगार ना बनाइए डैडी, बताइए तो सही उलझन क्या है? क्या बताऊं बेटा, जिस लड़की को बहू बनाकर मैं अपने घर लाना चाहता था वो किसी और की जिंदगी है। उस दिन राजा का गाना सुनकर मुझे ऐसा लगा था डैडी, मगर मैं आपकी वजह से खामोश रहा। बेटा, राजा पूनम के बगैर जी नहीं सकेगा। अगर एक डॉक्टर को बीमारी का पता हो और वो उसका इलाज न करे तो वो अपने पेशे की तोहिन करता है। अगर हमने राजा की जिंदगी नहीं बचाई तो भगवान हमको कभी माफ नहीं करेगा बेटा। मैं ये दामन फैलाकर तुमसे एक इंसान की जिंदगी की भीख मांगता हूं बेटा। क्या क्या कर रहे डैडी जी, अब क्या कर रहे? अरे आपकी एक बात पर एक लड़की तो क्या, 50 लड़कियां कुर्बान है डैडी, 50 लड़कियां। शाबाश बेटा, कल्पना। जी पापा। बेटी, बारात के आने का वक्त हो गया है, पूनम तैयार हो गई? हाँ पापा, मगर डोली में बैठने के लिए नहीं, अर्थी में। कल्पना, मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वो शादी के लिए तैयार नहीं है पापा। राय बहादुर महेंद्र प्रताप। डॉक्टर आनंद, ये क्या, दूल्हे के सर पर सेहरा नहीं, बारात कहाँ है, बाजू की आवाज क्यों नहीं आ रही? महेंद्र प्रताप, मैं अपने बेटे के सर पे किसी बेगुनाह की अर्थी से उठाए हुए फूलों का सेहरा नहीं बन सकता। डॉक्टर आनंद, मैं बारात के बाजों के शोर में अपने दोस्त के घर से उठती हुई मातम की आवाजें नहीं सुन सकता। मैं डोली में दुल्हन की जगह उसके अरमानों की लाश नहीं ले जा सकता। नहीं, मैं इतना खुदगर्ज हूं कि अपने बेटे की खुशियों के लिए दो प्यार करने वाले दिनों का कत्ल कर डालूं। ये तुम क्या कह रहे हो डॉक्टर आनंद? मेरे दोस्त, दरिंदे भी कभी अपने औलाद का खून नहीं पीते, मगर तुम अपने दौलत के दांतों से अपने औलाद के अरमानों का खून पी रहे हो। झूठे उसूलों और पुराने रस्म रिवाज के पत्थरों में अपनी औलाद को जिंदा दफन कर रहे हो। माँ बाप कभी अपनी औलाद की बुराई नहीं चाहते। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी में मेरी बेटी की भलाई है। भले बुरे की आपको पहचान कहाँ है पापा? आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी सबक नहीं मिला? अब और कुछ बाकी रह गया हो तो अपने हाथ से पूनम को जहर दे दीजिएगा। तुम चुप रहो कल्पना। माफ कीजिएगा अंकल, दिलों के सौदे दौलत की तराजू में नहीं तौले जाते, आपको अपना इरादा बदलना होगा। दुनिया की हर चीज बदल सकती है, मगर राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की जबान नहीं बदल सकती। हम जबान देकर मुकरते नहीं, तुम्हारे बाप की तरह वादा खिलाफी नहीं करते हम। पूछो, पूछो अपने बाप से,
यहीं हमारे घर में तुम्हारे लिए हमसे हमारी बेटी का हाथ मांगने आया था और आज शादी से इनकार कर रहा है। इसलिए कि इसके बाप का जमीर जिंदा है, वो वादा खिलाफी के ताने सुन सकता है मगर किसी बेगुनाह के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। हमारे खून से रंग सकते हो पर रंगो, हमारी इज्जत को नीलाम करने से पहले तुम्हें हमारी अर्थी उठानी होगी। अगर तुम यहाँ पर अमर की बारात लेकर ना आए तो हमारी खानदानी आन मिट्टी में मिल जाएगी। कौन सी आन की बात कर रहे हैं आप? कौन सी आन? वही आन जिसने बेटी के माथे पर तलाक का बदनुमा दाग लगाकर उसको हमेशा के लिए घर में बिठा दिया। आनंद, शुक्रिया दोस्त, सारी जिंदगी की दोस्ती का क्या खूबसूरत तोहफा दिया है। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक इस तोहफे को याद रखूंगा। मगर महेंद्र प्रताप, एक बात तुम भी याद रखना, बेटियां बेजबान होती हैं और बेजबानों की फरियाद से आकाश हिल जाता है। हे प्रभु, मुझे मेरे राजा से मिलवा दे, राजा से मिलवा दे। हे भोलेनाथ, तू तो सारी दुनिया के दुख दूर करता है, राजा का भी दुख दूर कर दे प्रभु, राजा को उसकी पूनम दिला दे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं। कैसी औरत हो तुम, कैसा प्यार है तुम्हारा। तुम राजा को अपना लो, वो तुम्हारे प्यार में दीवाना हो गया है। भगवान न करे कहीं उसे कुछ हो गया तो। नहीं, कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। राजा को पूनम मिलेगी और जरूर मिलेगी। हाँ बेटी, भगवान की शायद यही मर्जी थी। बहू बनाकर तो मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सका, आज बेटी बनाकर अपने घर ले जाने आया हूं। मुझे सचमुच मेरा राजा मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा। भगवान को साक्षी मान कर तेरा ये बाप तुझसे वादा करता है कि तेरी शादी होगी और सिर्फ राजा से होगी। नमस्ते। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? मैं आपके बेटे राजा के साथ अपनी बेटी पूनम का रिश्ता करने आया हूँ। देखिए, इनकार मत कीजिएगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने पूनम को अपनी बेटी बना लिया है और मैं चाहता हूं कि उसकी शादी राजा से हो। डॉक्टर साहब, जमाने का मजाक तो मैं बर्दाश्त कर ही रहा हूं, अब आप भी मुझसे मजाक कर रहे हैं। मजाक? बेटा, मेरे जज्बात में तुझे मजाक की झलक नजर आती है। नहीं बेटा, अरे तकलीफें तो प्यार का मुकद्दर होती हैं। बिना तकलीफ के रास्ते से गुजरे इंसान कभी प्यार की मंजिल को पा ही नहीं सकता है। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे प्यार की कोई मंजिल ही नहीं थी। राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की हर बात मुझे गवारा थी, लेकिन पूनम ने जो मेरे साथ किया वो नहीं। पूनम के प्यार में भी उतनी ही सच्चाई जितनी तेरे प्यार में सच्चाई है बेटा। वो बेटी जात है और बेटियां तो बेबस होती हैं। राजा बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ, मेरे लिए, मेरी इज्जत के लिए मेरी बेटी पूनम से ब्याह कर लो। जगो, अपने बेटे की बारात बड़ी धूम से लाना मेरे दरवाजे पे दोस्त। डॉक्टर साहब, शरीर का इलाज तो सभी करते हैं। आज पहला डॉक्टर देखा है जो दिलों का इलाज करता है। कमिश्नर साहब, मैं राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। ये कहिए। डॉक्टर आनंद मेरी बेटी को बहकाकर किसी अरे गहरे के साथ शादी करवा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलकर उस शादी को रुकवाएं।
ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ कि मेरा राजा कितना जच रहा है। कितना अच्छा होता अगर बाबा तेरे लिए लड़का ढूंढ लेते और हम दोनों की शादी एक ही मंडप में होती। चलो बातें मत बनाओ, सब बाराती इंतजार कर रहे हैं। अरे बांगड़ू, मैंने दुनिया में बड़े बड़े इंसान देखे लेकिन ऐसा महान इंसान कभी नहीं देखा। आप जैसा इंसान दुनिया में हो तो दुख हो ही नहीं सकता। अरे मेरी तारीफ करना बंद करो और उधर ध्यान दो, अपने दोस्त के लिए ऐसा नचना कि हमारी मूछे नीचे ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लो जी दूल्हा राजा आ गए जी, आ गए दादा, ये तो हम भूल ही गए जी। खुशी का दिन है, आपका सपना पूरा हो गया, अपने राजा की शादी हो रही है आज तो। भगवान बहुत बड़ा जी, बहुत बड़ा। अन्ना मेरी भी करा दे। ये मालिक ठहरो,
राय बहादुर, मैंने मर्यादा की दीवार खड़ी कर दी है, इसे पार मत करना वरना अनर्थ हो जाएगा। ये सब क्या है? किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो तुम उससे? दुश्मनी नहीं मेरे दोस्त, मैं दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूं। दोस्ती? कैसी दोस्ती निभा रहे हो तुम? अपने दोस्त की इज्जत को सरेआम नीलाम करके? डॉक्टर, पूनम तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, इसीलिए तुमने ये घटिया हरकत की है। मगर मैं पूनम का बाप हूं, जीते जी उसे आग के दरिया में नहीं ढकेल सकता। एक ऐसे इंसान के हाथ में हाथ नहीं दे सकता जिसकी न जात का पता है न खानदान का। ये क्या आप बार बार खानदान की बात करते हैं राय साहब? आप यही जानना चाहते ना कि मेरा खानदान क्या है, मेरा बाप कौन है? वो ऊपर बैठा हुआ ईश्वर जिसने सारी दुनिया को पैदा किया, क्या उससे बड़े हैं आप? आपका खानदान? बात करते हैं खानदान खानदान। डीआईजी साहब, आप खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हैं? गिरफ्तार कर लीजिए इसे। दुनिया की कोई भी ताकत राजा को गिरफ्तार नहीं कर सकती। डैडी, आज तक मैं खामोश रही, लेकिन आपके झूठे घमंड और आपके झूठे उसूलों ने मुझे बगावत करने पर मजबूर कर दिया। डैडी, मैं चाहती तो कभी भी घर से भागकर राजा से शादी कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि कहीं आपके दिल को ठेस न पहुंचे। एक बाप और एक बेटी के पवित्र रिश्ते को कहीं दाग न लगे। डैडी, आई एम नो लॉन्गर अ माइनर, आई एम अ मेजर नाउ, एंड नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम गेटिंग मैरिड टू राजा। ये सुन दोस्त, ए मेरी तरफ देखना, ऐसी इज्जत करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा यार, क्यों दुनिया को तमाशा दिखाता है? बेटी का दिल रख ले, दोस्ती की इज्जत रख ले। हाँ बोल दे, जा, मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे, जा। उस्ताद, राजा की तकदीर का जवाब नहीं, भाभी लाखों में एक है। तुम लोगों ने शानू को देखा? नहीं दादा, शानू को तो बारात में बिल्कुल नहीं देखा जी, मैंने भी नहीं देखा। मतलब घर से आई नहीं? पता नहीं जी, नहीं।
शानू। ये क्या हुआ बेटी, ये क्या किया तूने? पापा, पापा, मैंने राजा से शादी कर ली बाबा। ये क्या कह रही है तू? बाबा, मैं सौगन बन के मरना चाह रही थी बाबा। बाबा मैं जा रही हूँ। नहीं, मैं जीना नहीं चाहती। कहीं जिंदगी को मिली है चाहत की जुस्तजू, कहीं मर कर भी ना बुझी है मोहब्बत की।